सब एक बार हाथ खड़े हो बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रतिष्ठम विष्णुपाद हर्षोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद हर्षोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। छह प्रश्न में दूसरे प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे इसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी ने कहा बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोतवयम् जोगिनाम् निपनिर्मितः हरि नामानुकीर्तनम्। बोले हे सौनकादि ऋषियों कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान जैसे श्री हनुमान जी ऐसे नहीं केवल हम ही लेते हनुमान जी वो दिन भर क्या करते हैं बल सुमीरी पवना सुत पावना आपन कहते हैं श्री हनुमान जी मुक्त महापुरुष हैं लेकिन देखो हर समय हनुमान जी क्या करते हैं भगवान के नाम जप करते हैं। श्री भोले बाबा नाम सुने हो भोले बाबा को कौन कौन नाम सुने सब जानते हो। शंकर जी कौन है बोले सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भी हर समय कहते पंचमुखी राम नाम कान त्रिपुरारी। शंकर भी हर समय अपना पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जई जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेश। इसलिए शंकर भी हर समय भगवान के नाम जप करते हैं। जो व्यक्ति काशी काशी नाम सुने हो काशी विश्वनाथ जी कहते वहाँ पर लोग अंतिम करवट लेने जाते हैं। करवट जानते हो वहीं पर प्राण त्याग करना चाहते हैं। बोले क्यों बोले जीव को मुक्ति मिलती है। बोले क्यों मुक्ति मिलती है बोले शंकर जी जो व्यक्ति काशी में शरीर त्याग देगा शंकर जी उनको कान में प्रभु का नाम सुना देते हैं कृष्ण राम का नाम सुना देते हैं और नाम सुनकर के जीव को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए शंकर भी हर समय प्रभु के नाम जप करती हैं। आप लोगों ने अभी नवरात्रि रखे थे ना कौन कौन नवरात्रि रखे थे सबके सब रखे थे इसलिए इतने माता जी की इतने क्यों जगत में वंदना हो रही है। इसलिए एक समय माता जी शंकर जी से प्रश्न की बोले प्रभु हमें किसकी नाम जप करनी चाहिए। शंकर स्वयं कहते हैं बोले पार्वती बोले राम रमति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे सुंदरी पार्वती प्रभु राम का नाम में मेरा मन उसमें रम जाए। प्रभु राम का नाम बड़ा प्यारा नाम है पार्वती। तब से माता पार्वती प्रभु राम का नाम जप करती है।
जब श्री गणेश जी गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी का नाम सबसे पहले क्यों? इनकी पूजा होती है। बोले महिमा जासु जान गणराव, इसलिए श्री गणेश जी भगवान की नाम की महिमा को जानते हैं, इसलिए नाम की प्रभाव से सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते भैया किसको किसको नाम जप करनी चाहिए, बोले केवल ऐसे नहीं हम ही नाम जप करते बद्धजी नहीं, बोले इतना तो निर्विद्ध माना पहला नंबर व्यक्ति जो संसार से मुक्त हो गए, बोले दूसरे व्यक्ति बोले जीवन में जो शांति सुख अब जीवन में जो अभय पाना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, क्या हो गया कहते उनको क्या करनी चाहिए, उनको भी भगवान के नाम जप करनी चाहिए। जो व्यक्ति संसार से अभय पाना चाहते हैं जन्म मृत्यु से हम निकलना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, बोले उनको भी भगवान की नाम जप करनी चाहिए। बोले इच्छताम अकूत भयम बोले जोगी नाम निपर निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। बोले जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी हुए इन लोग ने बैठ करके सारे शास्त्र को मंथन करते हुए उन्होंने निचोड़ निकाले, बोले क्या निचोड़ निकाले, बोले भगवान के नाम। अगर जीवन में अगर प्रभु का नाम कोई जप कर रहा है ना, क्या समझो उसने सारे वेद पढ़ लिया, सारे उपनिषद पढ़ लिया, सारे ब्रह्म सूत्र सारे ग्रंथ को उसने पढ़ लिया। अगर हमने जीवन में सारे ग्रंथ पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम ही नहीं जप करते हो, देखना सब जीरो है, सबके सब जीरो है। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय भगवान की नाम को जप करो। इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम। बोलो नाम, नाम। ऐसे नहीं, इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं बोले कहते सुलभम भगवत नामम जीवाच बसवर्ती नाम। ध्यान देखना सुनो वो क्या कहते हैं, बोले सुलभम भगवत नाम, ऐसे नहीं भगवान के नाम लेने पर कुछ पैसा लगेगा, नहीं सुलभ है, उठते बैठते सोते प्रभु का नाम ले सकते हैं। बोले दूसरा बोले जीवा च बस भरती ना, अगर ये जीवा को बोले ना ठाकुर का नाम लो, अगर बोले दुनिया की चुगली करो देखना बैठ गए घटे घटे बिक जाएगी, लेकिन बोला थोड़ा हरि नाम करो बोले उसमें रुचि नहीं। बोले जीवा च बस भरती ना, जीवा हमारी वसीभूत है, बोले तथापि नरकम जाती, बड़े आश्चर्य की बात है तभी जीव नरक जा रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है तभी जीव नरक जा रहे हैं। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं, कहते नाम जप करने का साथ साथ उनको तीन फल लाभ होता है। कितना फल लाभ होता है, तीन। कितना होता है, तीन। आज मैं बोलूंगा कल मैं सुनूंगा, देखूंगा मेरे कौन सुना पाता हूँ। देखो ऐसे नहीं यहाँ और बैठो बैठ कर कथा सुनो, कथा भी कहता हूँ तुम भी कहता हूँ। देखो ये क्या कहते हैं, जो व्यक्ति प्रभु की नाम जप करना शुरू करते हैं कहते उनको जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले भैया इधर आओ रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों, बोले इसका नाम को काट दो यहाँ से। बोले क्यों काट दे, बोले अभी ठाकुर का नाम ले रहा है ना, अभी उसको नरक आना नहीं पड़ेगा, वो कभी नरक नहीं आएगा। बोले दूसरा काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले इसका नाम लिख दे। बोले किस लिए, बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना, अभी ये सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला को सजाना शुरू करते हैं, बोले क्यों, बोले प्रभु का नाम ले रहा है। जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेगा कहते वो व्यक्ति क्या होगा, बोले भूर भुव मोह जन तप और सत्य लोक को पार करते हुए वो गोलोक वृंदावन जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती की थाला सजाना शुरू करते हैं, भैया आरती की थाला सजाओ, क्यों, ये ठाकुर जी के नाम जप कर रहा है, इसलिए ये गोलोक वृंदावन जाएगा, जब जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा। इतने लाभ है जो प्रभु की नाम जप करते हैं।
इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ ये ठाकुर जी का नाम कौन जप कर सकता है, बोले जो पूर्व जन्म में चार ही काम करके आए। कितना काम करके आए माता ऐसे हम सुन रहे कि नहीं, देखो ऐसे नहीं इधर सुनो इधर निकाल कर चले जाओ। इसलिए पहले जन्म में जो चार काम करके आए तभी इसी जीवन में कोई भगवान के नाम जप कर सकता है। क्या क्या चार काम है, बोले अहो बत सपोच अतो गरिया चत जिहाग्र वर्तते नाम दुभ्यम। ये ठाकुर जी अपना माँ श्री देहूती को कह रहे, बोले माँ बोले अहो मतलब क्या है, कह रहे जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जप करते है ना, बोले बड़े आश्चर्य की बात है। अहो जैसे कोई आश्चर्य चीज देखे ना, क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य, मतलब है जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं ठाकुर जी कहते अहो मतलब क्या, कितने भाग्य की बात देखो भगवान के नाम जप कर रहा है। बोले सपोच अत गरिया, बोले सपोच मतलब चंडाल, इधर बैठना बैठना, इसलिए सपोच मतलब होता है चंडाल। अगर चंडाल किसको कहते हैं, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, कुत्ते का मांस कोई दुनिया में नहीं खाते, लेकिन अगर वो व्यक्ति कुत्ते का मांस अगर खा रहा है, अगर उसने प्रभु का नाम जप करना शुरू कर दिया, भगवान कहते अहो अहो मतलब बड़े भाग्य की बात है ठाकुर का नाम जप कर रहे। बोले सपोच अतो गरियान, कहते वो चंडाल होने पर भी वो इतने महान है। कहते माँ क्या समझो, बोले पूर्व जन्म में उसने सारे तपस्या कर चुका है, पूर्व जन्म में उसने सारे यज्ञ कर चुका है, पूर्व जन्म में उसने सारे दान कर चुका है और पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, तभी किसी जीवन में वो ठाकुर जी के नाम जप कर रहा है। एक बार हाथ उठाकर बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई बोल रहे हैं हरे राम, इतना मैंने नाम की महिमा सुना है तब नहीं बोला, बोलो तो एक बार आप बोलो मैं सुनता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोलो श्री सच्चिदानंद गौर। बाद में एक व्यक्ति था जिनका नाम था सुबुद्धि राय, पहले मुसलमान पीरियड था महापुर का समय पर, उस समय मुसलमान का राज्य तो चल रही थी और उसी समय ये सुबुद्धि राय था हिंदू और इसकी अधीन में एक मुसलमान काम करता था। अब ये मुसलमान ने कुछ राज संपत्ति को उसने हड़पा तो अभी सुबुद्धि राय उस समय थे मंत्री, अब वो पकड़ा गया चूंकि ये हिंदू था और हिंदुओं का हृदय तो बड़े दयालु है ना, बड़े कृपाल, हम तो चाहते हैं कि चिट्ठी भी हमारे पैर के नीचे नहीं मरे। इसलिए उसने जब पकड़ा गया, लेकिन उसने जो पाप कर्म किया था उसको दंड था मृत्यु दंड, लेकिन चूंकि ये हिंदू था इसने क्या किया, वो कोड़े ले करके केवल उसको पीठ के ऊपर एक बार को मारा और उसको छोड़ दिया। लेकिन भाग्य चक्र कहते भाग्य चक्र में एक बार किया हुआ वही जो राजा था वो हो गया एक दिन प्रजा और वो प्रजा हो गया एक दिन राजा। जब वो मुसलमान किसी कारण से राजा बन गया, अभी उसका जो बेगम थी, बेगम समझते हैं, उसकी जो रानी थी उसको पेट पर पीठ को पर तेल मालिश कर रहा था, देखा एक कोड़े की दाग पड़ा हुआ। पत्नी ने कहा आपको पीठ में कोड़े का दाग कहां से आ गया, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोले नहीं जरूर कुछ बात बताओ क्यों, देखो एक स्त्री हट होता है, स्त्री हट जानते हो, अगर स्त्री अगर पति को पीछे पड़ गया ना, हमको ये साड़ी चाहिए, देखना जब तक आप नहीं दोगे तब तक मुंह टेढ़े करके बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी, हैं? अभी एक स्त्री हट है वो तो पीछे पड़ गई, बोले बताना पड़ेगा क्यों ये दाग आ, बोले देखो एक समय में था प्रजा ये जो सुबुद्धि राय था राजा, मैंने राज संपत्ति मैंने चोरी की, वो हिंदू था वो मेरे को मृत्यु दंड दे सकता था, मैंने जो दंड पाप किया था
लेकिन वो हिंदू होने का वजह से केवल पीठ के ऊपर में एक बार कोड़े मार करके हमने छोड़ दी। वो रानी मुसलमान है ना, भले अभी तुमने राजा बना, अभी वो तेरा प्रजा, उसको प्राण ले लो, इसको मृत्यु दंड दो उसको। उसने कहा नहीं, वो मेरे ऊपर भी बड़ी दया थी उसने, वो मेरे को मृत्यु दंड दे सकता था, नहीं दिया, इसलिए मैं उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता। इतने में बोले अगर उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते हो, एक काम कर सकते हो, तुम उसको मुसलमान बना दो, उसका जात तुम ले लो। एक बदना होता है, अगर उसको पानी पिला दो ना, बस वो जाति चली जाती है। उन्होंने उसको जात ले लिया और बदना में पानी पिला कर तुमको मुसलमान बना दिया, लेकिन वो था पक्का कट्टर हिंदू। अभी उसने मंदिर मंदिर में गया, बोले ऐसे ऐसे बात है, बताओ मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन पंडित लोगों ने कहा देखो मुक्ति मिल सकती है, एक काम करो, जब तेल उबलेगा ना, गरम तेल खोलेगा, वो गरम घी को खोलते हुए उसको पी लो, अब बताओ क्या होगा, मृत्यु। मतलब तुमको अगर तुम हिंदू बनना चाहते हो, इसी जीवन में तुम और हिंदू नहीं बन सकते, प्राण त्याग देना पड़ेगा। उसने और कुछ पंडितों के पास में गए, बोले बताओ हमारे उद्धार कैसे होगा, मैं फिर हिंदू कैसे बन सकता हूँ। बोले एक काम करो, कंडे कंडे को बीच में बैठ जाओ और उसमें आग लगा दो, और उस कंडा जिसे धीरे 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 जलती है ना, ऐसे ही उसका अंदर में तू अपना प्राण त्याग दे। बोले भैया ये तो बड़ा कठिन दंड है। सारा दुनिया ब्राह्मण के पास में गया, बोले बताओ अभी मेरे को मुक्ति कैसे, हिंदू कैसे बनूंगा। लेकिन जिन जिन पंडितियों ने परामर्श दिया है, केवल मृत्यु दंड दिया, बड़ा दुखी हो गया। करते करते उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को पास में आए और उनने सारे दुख की बात बताई, बोले प्रभु अभी बता मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, अभी फिर मैं हिंदू कैसे बन सकता हूँ। महाप्रभु ने कहा तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम जप करो। क्या करो, केवल संत भगवान के नाम जप करो और उस संतों की सेवा करो, इसी से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। देखो ये श्लोक है, बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलान मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सकृदपि परिगीतम सदया भृगुवर नर मात्र तारेति कृष्ण नाम। क्योंकि जो कृष्ण नाम है, यदि ये मीठे से भी मीठे हैं और मधुर से भी मधुर ठाकुर जी का नाम, जितने वेद पुराण को जो सार है प्रभु का नाम है। सकृत, सकृत मतलब एक बार, अगर श्रद्धा पूर्वक हो, नहीं तो अश्रद्धा पूर्वक हो, अगर किसने एक बार नाम जप किया, क्या होगा, बोले अशेष अगहरम विदु, उसको जन्म जन्मांतर का सारे पाप नष्ट हो जाता है। जो एक बार केवल कृष्ण नाम ग्रहण करता है, इतने महिमा कृष्ण नाम की, भैया तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कृष्ण नाम लो और संतों की तुम सेवा करो, इससे ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। देखो ठाकुर का नाम कितने शक्ति, ठाकुर जी का नाम करो, फिर क्या करनी चाहिए बताओ, सबके सब ठाकुर का नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं इकट्ठे होकर के जितने बड़े बूढ़े सारा दुनिया की गप्पे जब बैठ जाते हैं ना, उसकी छोरा ऐसे की, उसकी छोरी ऐसे की, उसकी घर में ये हो रहे हैं, इसलिए भैया इस सब बात को नहीं करके, ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन मिला है। जो एक एक श्वास जा रहा है ना, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को वापस नहीं ला सकते हो। ये श्वास की तभी सार्थकता जब इन श्वास श्वास में ठाकुर जी के हम नाम जप करें, ठीक है। सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा जोर से बोलो, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं
जज्ञानं मद्वयं ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दते। सुत गोस्वामी कहते हैं सोनक आदि ऋषियों कहते भगवान एक है। भगवान कितने हैं? भगवान एक है, लेकिन वो एक भगवान की तीन प्रतीति है। एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है और एक भगवान है, लेकिन भगवान एक ही है। देखो अभी अभी ये कलियुग है ना, कोई कोई कहते भगवान से निराकार है, कहते हमने दिख्या निराकार, निराकार से लिया हमने दिख्या मंत्र। अरे भगवान अगर निराकार होता तू कहाँ से आ गया बताओ? अगर भगवान का आकार नहीं तू फिर कैसे आ गया? हमारे कोई भी ग्रंथ को पढ़ो कहीं भी भगवान को निराकार नहीं बताया। आप देखो गीता पढ़ो, गीता में कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है ममई वांश जीव लोक जीव भूत सनातन, जगत में जितने जीव सबके सब मेरे बच्चे हैं। आप क्रिश्चियन का ग्रंथ पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल में बताए गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान ने अपना जैसे उन्होंने जीव को बनाया है। आप कुरान पढ़ो, मुसलमान का ग्रंथ पढ़ो, वहां पर भी लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया, तब कहां ये बताया निराकार है। आप भगवान की फोटो लो और तुम्हारी फोटो लो, मिलता कि नहीं? राम का जैसे, कृष्ण का जैसे नाक कान हाथ है कि नहीं? बताओ कृष्ण की जैसे तुम्हारे हाथ कान, राम की भी दो हाथ, हमारे कितने हाथ है? चार हाथ ना, दो हाथ है। कृष्ण का भी देखा आग जैसे, हमारे भी आग है ऐसे। कृष्ण का नाक जैसे, हमारे भी नाक है ऐसे। कृष्ण की दो प्यार या तुम्हारे चार प्यार है? कितने प्यार है? दो प्यार है। इसलिए हम कहते हैं ना तुमेव माता च पिता, बोलो जोर से, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव तुमेव विद्यां द्रविण, तुमेव तुमेव सर्वं मम देव। इसलिए भगवान हमारी पिता माता भाई बंधु को नहीं, ये भगवान हमारी पिता माता भाई बंधु। भगवान निराकार नहीं, भगवान को निराकार कहना इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। कृष्ण खुद कहते हैं, कहते भैया सारा दुनिया को मैंने रचना की, अगर मेरे हाथ पैर नहीं होता मैं चलता कैसे? अभी कृष्ण कथा सुनोगे कैसे कृष्ण मक्खन चुराए, अघासुर बकासुर को मारे, भगवान ने राम कैसे रावण को मारे, अगर भगवान ने हाथ ना को होता नहीं होता भगवान मारते कहाँ से? ये लीला कैसे आई है? ये गीता भागवत कहाँ से आई? कृष्ण बोले है ना, तो ठाकुर निराकार कैसे हो गए बताओ? अगर उनका आकार नहीं आता तो तू फिर कहाँ से आ गया? तुम फिर शून्य से कोई चीज आ सकती है? 100 रुपया होगा 50-100 रुपया तुम दे सकते हो, जहाँ पर जीरो है फिर जीरो से कुछ दे सकते हो। इसलिए कहते हैं जो भगवान को निराकार कहते हैं, कृष्ण गीता में कहते, देखो गीता का श्लोक है, बोले तेसाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्तम ही गतिर दुख। कृष्ण खुद कह रहे हैं जो मेरे को निराकार कहते वो पाखंडी है। कृष्ण स्वयं कहते वो पाखंडी व्यक्ति है, गीता का श्लोक है, जो मेरे को निराकार कहते हैं। इसलिए कहते ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम्, इसलिए कहते वो भगवान एक है, लेकिन वो एक भगवान की तीन प्रतीति है। क्या किया? एक उनका ब्रह्म स्वरूप है और इनका एक है परमात्मा स्वरूप है और इनके एक भक्त भगवान स्वरूप है, लेकिन एक भगवान को तीन भक्त तीन रूप में दर्शन करते हैं। कहते एक ज्ञानी भगवान को दूर से केवल एक ज्योति रूप में दर्शन करता है, एक जोगी अपना हृदय में भगवान को एक अंगुष्ट परिमाण पुरुष रूप में दर्शन करता है, लेकिन एक भक्त भगवान को भगवान रूप में दर्शन करता है। लेकिन क्या कहते सबके सब बराबर है? बोले नहीं, सबके सब बराबर नहीं है। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन भक्त्या माम एकम ग्राज्यम, केवल भक्त ही मेरे को प्राप्त करता है, ज्ञानी जोगी हमें प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहते भक्त का भगवान, किसका भगवान है? कोई कहते ज्ञानी का भगवान, कोई कहते जोगी का भगवान, नहीं, किसके भगवान है? भक्त का ही भगवान। इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए श्री सूरदास जी एक सुंदर भजन लिखते हैं, प्रभु जी आपको कहा करके सुनाएंगे, जो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे श्रेष्ठ क्या? बोले प्रेम।
यद्यपि बहुत तरह का बंधन है, ज्ञान का भी बंधन, योग का भी बंधन, कर्म का भी बंधन, लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन, भक्त जैसे मेरे को बांध लेता है और कोई भी मेरे को बांध नहीं सकते, इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रभु जी के भजन गाएंगे, अब लोग भजन का सुनो। हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाले की जय, जय श्री राधे। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे Yeah.
भाव से एक ही
26 अवतार की कथा है। भगवान का प्रथम अवतार ब्रह्मा जी की मानस पुत्र रूप में ये चतुसना है। ये श्री चतुसन जन्म लिए। ब्रह्मा जी बोले देखो भगवान का निर्देश है संसार का क्रम बढ़ा, घर गृहस्थी करो। बोले पिताजी घर गृहस्थी बड़े दुखदायी, हम तो ये घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते, इसलिए हमें ये इसमें फंसाओ मत। बोले भगवान का आदेश है। बोले पिताजी हम फंसना नहीं चाहते। बोले संसार में नहीं फंसोगे। बोले नहीं। बोले तुम्हें मैं अभिशाप देता हूँ, अभी जैसे जन्म हुए ना जिंदगी भर ऐसे बन कर के रहो, शादी नहीं करोगे ना ऐसे बन करके रहो। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी है तो वरदान है, क्योंकि देखना संसार का सारे बोझ किसको ऊपर में, बच्चों को ऊपर ना बड़े को ऊपर में। बोले बड़े बनेंगे तभी तो सारे संसार का दायित्व आएगा। आप बच्चों को देखो मस्ती से खेलते हैं। बोले ये तो आपका वरदान है, बढ़िया वरदान मिला। अभी तो दिन रात प्रभु की भजन कथा कीर्तन में डूबे रहे, इसलिए इनका जो जीवन है कृष्ण कथा मात्र के जीवन। हमारी जीवन रोटी है, लेकिन उनका जीवन है ठाकुर की भक्ति और भगवान की कथा। इसलिए चतुसन नहीं हरिद्वार में उन्होंने ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाया, तभी जवान हुए। अगर कोई कथा सुनने वाले हो कथा सुनाते हैं, अगर कोई नहीं हो ना फिर तो तीनों भाई बैठ जाएंगे, एक भाई व्यास गति पर और एक भैया कथा सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए इनकी उम्र कितनी उम्र 5 साल के। बोले क्यों ये बैठते नहीं घटते नहीं क्यों? इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं ये जो सूरज है ना, ये सूरज नहीं ये काल है, ये सभी का परमायु को ये हरण कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु में ऊपर में इसकी प्रभाव नहीं पड़ते। बोले किसके ऊपर में? बोले तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता है। जो व्यक्ति भगवान की कथा कीर्तन भजन कर रहे हैं इनकी ऊपर में ही काल का प्रभाव को नहीं तो काल सभी का परमायु को हरण कर रहा है। भगवान की जो दूसरा अवतार श्री बराह रूप में हुए, इन्होंने पृथ्वी को उद्धार की। देखो बोले शाम का समय में 4 काम मत करो। कितने काम नहीं करनी चाहिए? 4। बोले 4 काम क्या है? बोले पहला नंबर है शाम का समय में कभी भोजन मत करो। जो भोजन करेगा उसको पेट का बीमारी हर समय लगी रहेगी, पेट का बीमारी कभी जाएगी नहीं। दूसरा काम किया बोले पढ़ाई मत करो। पढ़ोगे तो शाम का समय भूल जाओगे, उसी समय पढ़ना तो भगवान की कथा भजन आरती। शाम का समय में क्या करते हैं? ठाकुर का आरती उतारते हैं ना, ठाकुर का कीर्तन करते। बोले क्यों? बोले शंकर जी अपना चरों को लेकर के भूत पिशाच को लेकर के शंकर जी घूमते रहते हैं, इसलिए उसी। अब देखना कोई कोई कहते हैं ना बच्चा तो घर में बढ़िया पढ़ाई करता है लेकिन स्कूल में जा करके पेपर देते समय सारी भूल जाता है, इसलिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बोले तीसरा काम है सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा वो दरिद्र हर समय बने रहेगा, माँ लक्ष्मी घर में इसकी नहीं आएगी, लक्ष्मी घर से चली जाएगी। और जो चौथा काम है कभी पत्नी को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। कहते हिरणा के हिरण कसु कैसे हुए? कहते कश्यप जी की एक पत्नी थी जिसका नाम थी दीति, उसने ठीक शाम का समय पर बड़ी सुंदर श्रृंगार करके और उसने सीसा को सामने खड़ी हुई, वैसे तो राजकुमारी थी देखने में बड़ी प्यारी सुंदरी, उसने जब सज-धज करके अपना परछाई को देखी तस्वीर को, अभी काम में इतने आतुर उसने हो गई, उसने अपना पति कश्यप जी से प्रार्थना की मिलने के लिए। लेकिन कश्यप जी ने कहा देखो दीति ये समय अच्छा समय नहीं, शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर घूमते हैं, इसलिए इस समय तो मिलो मत। लेकिन वो इतने कामातुर हो गए थे, मिलने का बाद कश्यप ने कहा अच्छी काम नहीं की दीदी, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म लिए। इसलिए आप लोग देखना कोई कोई बच्चा तो बड़ी सद्गुण, सवेरे उठते ही पिता माता के चरण छूता है, पिता माता की सेवा करता है, बड़े आदेश। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते बड़े उद्दंड होते हैं, एकदम पिता माता की बात ही नहीं सुनते हैं, जहाँ जाओ वही सारा दुनिया कहते हैं। बोले गुरु जी बच्चे बात ही नहीं सुनते, बच्चे बात ही नहीं सुनते। और एक होता है गर्भ संस्कार, देखो ध्यान देकर सुनो, गर्भ संस्कार इसको कहते हैं अगर पेट में बच्चे होते हुए अगर माताएं उल्टा पुल्टा फिल्म देखे ना, गंदी गंदी डिस्को ध्यान से देखे, वो बच्चे के ऊपर बड़े बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर बच्चा बड़ा दुष्ट बनता है, बच्चा बड़ा दुष्ट बनेगा। क्यों?
वो गर्भ में रहते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति, भगवान के भजन नहीं किए, भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए गर्भ में बुरा संस्कार उसको पर पड़े। इसलिए कहते सहवास नहीं करनी चाहिए। इतने में दीदी ने बड़ी दुखी हो गई, बोले पतिदेव मेरी गलती हो गई है, भजन गाना, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बच्चे तो राक्षस बनेंगे, लेकिन बच्चे का जो बच्चा होगा ना बड़ा भक्त होगा। बोले कौन? बोले श्री प्रह्लाद जन्म लेगा। इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा बनकर श्री प्रह्लाद जी आए। कहते ये भगवान की तीसरा अवतार है, भगवान वराह अवतार में उन्होंने ये पृथ्वी को उद्धार किया, फिर ये सृष्टि की प्रारंभ हुई। बोले भगवान की जो चौथा अवतार, बोले भगवान श्री नारद रूप में आए और उन्होंने जगत में एक ग्रंथ है इनका, जिसका नाम नारद भक्ति सूत्र, बहुत प्यारा ग्रंथ है। हो सकता आप लोग जरूर वो ग्रंथों को पढ़ना, जिसमें भक्ति की इतने महिमा उन्होंने गाई, इतने भक्ति की महिमा गाई। बोले भक्ति रे वैव नयती, बोले ठाकुर के पास हमें कौन ले जाएगा? ज्ञान कर्म योग नहीं, भक्ति ले जाएगा। भक्ति रे वैव दर्शयती, हमने ठाकुर का दर्शन कौन कराएगा? बोले भक्ति दर्शन कराएगा। इसलिए भक्ति का ही महिमा है। इसलिए कहते श्री नारद जी, बोले दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी आदेश दे दिया, सृष्टि का प्रारंभ करो, सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 बच्चे जन्म दिए। पहले जो जन्म होता था मानस की जन्म, मन से होते थे, नहीं तो एक व्यक्ति थोड़ी 10,000 बच्चे जन्म दे देगा। इसलिए 2, 3, 4, 10 हो, लेकिन 10,000 थोड़ी हो जाएगा। इसलिए पहले मानस की जन्म था, इसलिए उन्होंने 10,000 जन्म बच्चे जन्म दिए। और पहले नियम क्या, पहले जैसे अभी स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं, पहले नियम होता था गुरुकुल में जाते थे और वहाँ पर 25 साल तक गुरुकुल में सारे वेद पुराण उपनिषद अध्ययन करते थे। उन्होंने नारद जी को पास में भेज दिए,
जब इनकी पढ़ाई खत्म हो गई, अब ये जा रहे हैं अपना घर गृहस्थी करने के लिए, तब नारद जी ने कहा देखो सावधान, ये घर में जा रहे हैं ना संसार करने के लिए, समझ बूझ करके जाओ, नहीं तो फंस जाओगे ना, निकल नहीं पाओगे। बोले मैं कुछ प्रश्न करता हूँ, प्रश्न का उत्तर दो। तो उनका पहला प्रश्न था, बेटा ये बताओ ऐसे कौन सा बीन है जो बीन में एक बार घुस जाए ना, जिसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलते। सब ध्यान देकर सुनो, कल सबसे मैं प्रश्न करूंगा। ऐसे कौन सा बीन जिसमें एक बार घुस जाए ना निकलने का रास्ता नहीं। बोले गुरुजी बीन में घुस गया तो निकल आएगा, मुझे यही तो प्रश्न है। ऐसे कौन सा बीन जिसमें घुस जाओ निकलने का कोई रास्ता नहीं। बोले ये गृहस्थी है। हम सोचते हैं भैया बेटा का जन्म होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, बस खत्म, नहीं उसके बाद नौकरी करो, खत्म नहीं, फिर शादी करो, उसके बाद फिर बच्चे जन्म दो। सोचते हैं भैया अगर संतान को जन्म दे करके लिखा पढ़ा सिखा दिया ना, हमारे घर के सारे काज कम, अभी तो खूब वृंदावन जाऊंगा, खूब वृंदावन जाऊंगी, सारे तीर्थ करूंगा। लेकिन बच्चे का जब शादी हो गई ना, घर में जो बहू आ गई, फिर तो पहले जो थोड़ी बहुत घूमने जाती थी घूमना बंद, अगर बहू की बच्चा हो गई आज तो बोला गया घूमना, बोले डोकरी घूमती रहती है कोई काम धाम नहीं है, डोकरी घूमती रहती है इधर उधर, बच्चे को पकड़ते नहीं डोकरी घूमती रहती है, फिर तो ताना मारेगी, रोटी फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी। ये गृहस्थी ऐसे एक जाल है, एक बार फंस जाओ ना, जितने निकलना चाहोगे उतना दलदल में फंसते रहोगे। ये ऐसे एक बील है। इनकी दूसरी प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है। बोले गुरुदेव नदी तो एक तरफ में बहती, बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है। बोले जन्म और मृत्यु। जैसे हम जन्म हुए, जन्म धीरे धीरे 10 साल हो गए, 10 साल नहीं हो गए, 10 साल इधर घट गया, 20 साल के हो गए, 20 साल घट गया, 30 साल के हो गए, 30 साल घट गया। इसलिए हम कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, हम बच्चे का बर्थडे, अपना बर्थडे बनाते ना, खुश होते, शादी का साल अगर खुश होते, खुश नहीं दुखी होनी चाहिए, हमारे इतना जन्म इतने उम्र बीत गई, भगवान की भजन नहीं कर पाए, हम बड़े कोई नहीं हो रहे, सबके सब धीरे 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 छोटे हो रहे, कोई बड़े नहीं हो रहे, काल सभी का परमाय को नष्ट करता है। बोले भैया ये दो नदी तो एक साथ में दो तरफ में बहती, लेकिन ये सबको ऊपर में तो ये प्रभाव डालती हैं, लेकिन ये काल किसको ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। बोले जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, ठाकुर जी की भजन करते हैं ना, केवल उनकी ऊपर में काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ता है, क्योंकि जो काल का जो काल है ना भगवान। बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, काल को सब डरते हैं, लेकिन काल किसको डरता है। बोले भगवान की जो भक्ति करते हैं ना उनको ये काल डरता है, जो प्रभु का नाम लेते हैं काल उसको डरता है। बोले क्यों, उसको ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय माला को पास में रखा करो, दुनिया छूट जाए एक दिन दुनिया छूटेगी, लेकिन माला नहीं छूटनी चाहिए, माला हर समय माला को पास में रखा करो। देखो हमारे कुछ भक्त लोग हैं, देखो यहाँ बैठे भी है लेकिन माला लेकर बैठे हैं, ठाकुर जी की माला ही जप कर ले, बच्चा खड़े हो जाओ, तो देखो ये बच्चे को देखो, ये छोटे तुम भी खड़े हो जाओ, देखो खड़े हो जाओ, देखो ये दो बच्चे, छोटे बच्चे देखो, हाथ में इनकी माला देखो, उनको पास में दो भक्त, इन देखो इनके हाथ में कितने कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथ में भी माला है। इसलिए भैया दुनिया छूटे लेकिन माला नहीं छूटी, माला पास में रखा करो। देखो गुरु जी से जब हरिनाम लेते हैं, ऐसे नहीं एक दिन माला नहीं किया, नहीं, गुरु जी कहते अगर एक दिन माला तुमने नहीं की तो ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर जी कभी माला को भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इनकी जो तीसरी प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो बड़ा विचित्र बात करता है, बड़े विचित्र विचित्र बात करता है। बोले गुरुदेव हंस थोड़ी बात करते हैं, वो तो बात करता ही नहीं। बोले यही तो प्रश्न है, वो बड़ा विचित्र विचित्र बात करता है, क्या है। बोले ये गीता भागवत रामायण ये बड़ा विचित्र विचित्र बात करते। बोले क्या विचित्र बात करता है, हम कहते हैं ये मेरी बच्चा बेटी संसार दुनियादारी, वो कहते नहीं तुम रिफ्यूज होकर के 2 दिन के लिए यहाँ पर आए हो, घर को छोड़ना पड़ेगा तेरे को, यहाँ घर से जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी घर नहीं, इसलिए बैक टू गॉड हेड, अपना घर में लौट चलो, अपना घर ठाकुर जी के पास में,
देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय जैसे गांव के बड़े बूढ़ी पहले लिखाई पढ़ाई नहीं करते थे, एक समय कई गांव के जो बूढ़ी माता जी एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहती है, उसने एक बस का टिकट बनाया। वो टिकट नंबर था 20 नंबर था टिकट नंबर। जब बूढ़ी माता जी बस को अंदर में गई, पूरा बस खाली थी, उसने क्या किया, 50 नंबर सीट में बैठी। थोड़ी देर बाद में 50 नंबर सीट वाले आए, बोले बूढ़ी माता खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले सीट मेरी। और वो जाकर 30 नंबर बैठी गई। थोड़ी देर बाद में फिर उसको तो लिखा पढ़ा आता ही नहीं, लेकिन टिकट हाथ में है। थोड़ी देर बाद में 30 नंबर वाले आए, बोले माता जी खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले सीट मेरी है। हटा दिए। उसने 40 नंबर में बैठी गई। थोड़ी देर बाद में 40 नंबर वाला है, बोले माता जी खड़े हो जाओ। अभी उसको कोई भी बैठने नहीं दे, जो सीट में बैठे वही उठा दे। उसने सोचा भैया बैठते बैठे कहाँ। देखा जो ड्राइवर का सीट ना सबसे अलग दिख रहा था, बढ़िया दिख रहा था। बोले अगर यहाँ पर बैठ जाओ मेरे को कोई नहीं हटाएगा। उसने जाकर सीधा ड्राइवर का सीट में बैठ गया, सबसे आगे। बोले बढ़िया दिख रहा, यहाँ से कोई हटाएगा नहीं। लेकिन ड्राइवर गया था चाय पानी पीने के लिए। अभी उसने जब चाय पानी पी कर देखा सबके सब लोग बैठ गए। अभी ड्राइवर आया, देखा एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई। बोले माता जी यहाँ से खड़े हो जाओ, यह मेरी सीट है। बोले बाबा तेरे हाथ पाँव जोड़ता हूँ, मैं बड़ी बूढ़ी आदमी, मैं परेशानी हो गई हूँ, इसलिए मेरे को उठाओ मत। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ, मेरे बगैर ये गाड़ी नहीं चलेगी, है मेरी सीट। बोले बाबा तेरे पाँव पड़ता हूँ, बड़ी बूढ़ी आदमी क्यों परेशानी करते हो, मैं पूरा मैंने गाड़ी घूम गई, मेरे को कोई बैठने नहीं देते हैं। बोले टिकट बनाया? बोले हाँ ऐसे थोड़ी मैं टिकट बनाया। बोले दिखाओ टिकट, कितना नंबर था टिकट का? 20 नंबर। देखा सबके सब तो लोग बैठे हुए हैं, जो 20 नंबर जो सीट खाली है। बोले इधर आ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ। बोले कोई नहीं उठा गया? बोले कोई नहीं, सीधा अपना घर में पहुंच जाओगे। सीधा घर में पहुंच गए। देखो ये कथा का तात्पर्य यह है, जब एक व्यक्ति अपना घर मकान बनाता है, देखना कितने लिखाई पढ़ाई करके 25 साल तक तो पढ़ाई लिखाई करता है, 50 साल तक पैसा कमाता है, कमा करके कितने कष्ट से एक घर एक मकान बनाता है, उसको पता है क्या वो घर में तुम रह सकते हो? वो घर में तुम रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, भले ही जिंदगी तुमने बनाया। बोले हमारे कागज पत्र ना, बोले जो कुछ रहे तुम्हारे पास में रह नहीं सकते, वो परमात्मा शरीर से चली जाए ना, एक घंटा भी तुमको घर में रुकने नहीं देंगे। परिवार को बुलाए, बोले निकालो, और 15-13 दिन तक अशुद्धि मानेंगे। फिर दूसरे जीवन में गया, वहां पर भी पढ़ाई लिखाई 25 साल 50-60 साल तक पैसा कमाया, फिर भी एक मकान बनाया। क्या वहां भी रह सकते तुम? क्या मकान? नहीं रह सकते, तेरे घर छोड़ना पड़ेगा। तेरे को बनाने पर भी तुम्हारे पास में कागज पत्र होने छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कितने जन्म से बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। बोले भैया कब तक बनाएंगे छोड़ेंगे? बोले जब तक हमें ड्राइवर है ना, जब तक अपना सीट में हमें नहीं बैठा देता है। बोले ये ड्राइवर क्या कौन है? बोले गुरुजी। ड्राइवर कौन है? ये गुरुजी। जब वो कृपा करके अपना सीट में बैठा देंगे ना, फिर तो सीट छोड़नी नहीं पड़ेगी। वो कौन सा सीट है ड्राइवर? गुरुजी तुम्हें। बोले कि भैया ये तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारी घर तो भगवान के चरण में, ठाकुर जी के धाम में तुम्हारे चरण है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां जाने पर जीव कभी वहां से वापस नहीं आएगा, वो भगवान की धाम है। लेकिन वहां पर कैसे जाओगे? कौन सा टिकट की जरूरत है? देखो गुरुदेव ये टिकट दे देते हैं, भगवान के नाम, यही असली टिकट है। इसलिए देखना जिंदगी भर जो कुछ करना तो कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा ना, क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोले बेटा जितने राम और हरि का नाम लिया ना, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, और जो कुछ किया वो सब झूठे में बिताएगा। भैया जब झूठे ही तो पहले से क्यों वो झूठे के पीछे लगे हो? पहले से प्रभु का नाम के पीछे लगो ना, जो साथ में जाएगा। इसलिए कहते भैया जो बुद्धिमान व्यक्ति पहले से टिकट लगाओ, पहले से टिकट बनाओ। टिकट क्या है? बोले ठाकुर जी की नाम। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा, कोई बोल नहीं रहे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कहती भगवान ऐसे भगवान की 24 अवतार भगवान की जो पंचमा अवतार भगवान श्री नर नारायण ऋषि रूप में आए और बद्री का आश्रम में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान क्यों तपस्या करते हैं? ठाकुर जी को पता कलयुग का जीव इतने तपस्या कर ही नहीं सकता। अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ जाए और ठाकुर जी को एक बार दर्शन कर दे, दर्शन मात्र से ही कहते भगवान जो तपस्या कर रहे हैं उसकी छठवां भाग का फल उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जानी चाहिए। कौन कौन गए हो हाथ उठाओ तो कौन कौन गए हो? हर जो दो चार लग गए, ये जो गुजर और गुजरी ना ये कहीं घर से बाहर नहीं निकलते, ये पूरा घर को ही पूरा सब कुछ घर से बाहर नहीं निकलते। एक तरह से अच्छी बात है। देखो हम लोग बड़े भाग्य से भारत में जन्म हुए। ये पृथ्वी में कहीं गंगा जमुना सरस्वती अयोध्या मथुरा माया का ये पृथ्वी में कहीं नहीं है, केवल भारत वर्ष में। इसलिए देवता लोग भी भारत में इंसान बनना चाहते हैं, इंसान भारत वर्ष में। बोले कहाँ पर? विदेश में नहीं, अमेरिका लंदन में नहीं, भारत में। बोले कौन सा जाति में? बोले हिंदू जाति में। और गुजर घर में तो जन्म लेना बड़ा कठिन है, गुजर घर में जन्म लेना बड़ा कठिन है। बड़े भाग्य से जन्म लेते हो। गुजरी कौन है? कृष्ण गुजर, गुजर है ना। कहते गुजरिया खोल खिवरिया तेरे घर में आए हूँ। तुम लोग सब गुजरी है, मतलब गोपियाँ हैं। बड़े भाग्य से गुजरी घर में तुम्हारी जन्म हुई है, गुजर घर में। अरे इसलिए भगवान इतने सारे धाम हैं जीवन में, कम से कम हर धाम में तो एक बार जाओ। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे नंद बाबा ने मनोत किया था, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगा ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ में जाऊंगा, अब विशेष करके गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जाऊंगा। ये नंद बाबा ने इसको उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। अभी घर में कृष्ण की जन्म हो गई, जब कृष्ण जन्म हो गई एक दिन नंद बाबा मैया जसोदा ब्रजवासी बोले चलो मैंने मनोती रखा था घर में लाला जन्म होगा तो सारे तीर्थ जाएंगे। जब जाने के लिए तैयार हुए इतने में कृष्ण ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले लाला तू जन्म होने से पहले मैंने मनोती रखा था सारे तीर्थ जाएंगे। बोले पिताजी सब तीर्थ तो यहीं पर है। बोले कहाँ पर? बोले ब्रज में है। बोले कहाँ पर? बोले मेरे साथ में चलो, आपको सारे तीर्थ में करा दूंगा। इसलिए कृष्ण को साथ में सारे ब्रजवासी गए, जा करके काम्य वन में गए और सारे ब्रजवासी को बोले सबके सब हाथ जोड़ कर खड़े हो जाओ और सारे तीर्थों का स्मरण करो। जब उन्होंने सारे तीर्थों का स्मरण किया पृथ्वी का जितनी सारे तीर्थ है वो सारे तीर्थ वहीं पर प्रकट हुए। कहाँ पर प्रकट हुए? बोले काम्य वन में, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री मानसरोवर लक्ष्मण झूला हैं और त्रिवेणी पंचवेणी सारे को सारे तीर्थ सबके सब ब्रज में प्रकट हो गए और नंद बाबा ने सारे तीर्थ को ब्रजवासियों ने सारे तीर्थ दर्शन किए हैं। इसलिए जो व्यक्ति काम्य वन में ब्रज में ये 84 क्रोश को परिक्रमा कर लेते हैं, कहते जैसे भगवान कृष्ण सारे अवतारियों का अवतार, कृष्ण सारे अवतारियों को जैसे कृष्ण भक्ति करने पर 33 करोड़ देवा देवियों की पूजा हो जाती है, जो व्यक्ति ब्रज मंडल का परिक्रमा करते हैं ना उनको सारे तीर्थ दर्शन हो जाता है सारे पृथ्वी का। आप अगर मथुरा में जाओगे ना देखोगे मथुरा में जितने सारे 24 घाट है सारे तीर्थ वहीं पर आए। मथुरा में भगवान कृष्ण राधा रानी को कृपा प्राप्त करने के लिए, इसलिए जो ब्रज मंडल ये 84 क्रोश है, ध्यान देकर सुनो ये 84 क्रोश है। हम लोग ठाकुर जी को भूल करके ये 84 लक्ष जन्म में भटक रहे हैं। अगर किसी ने जीवन में 84 क्रोश की परिक्रमा लगा ली ना उनको पृथ्वी का सारे परिक्रमा और 84 लक्ष जन्म उसको भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पैदल में कोई करे कम से कम 1.5 महीना लगेगा। कितना महीना लगेगा? 1.5 महीना। और हमारे गुरु जी बड़े गुरु जी जो परिक्रमा निकालते हैं हम लोग 1 महीना में करते हैं। लेकिन ध्यान देकर देखो हमने और एक सरल उपाय निकाले,
हम सोच रहे हैं 7 दिन में जैसे ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाए, लेकिन हमको गाड़ी में जाना पड़ेगा, पैदल में नहीं। 7 दिन तक कंटिन्यू अगर गाड़ी में अगर आप जाओगे परिक्रमा करोगे, 7 दिन में ये पूरा 84 क्रोश परिक्रमा हो जाएगी। और जो 84 क्रोश परिक्रमा कर ले उसको 84 लक्ष जोनी और भटकना नहीं पड़ता है। आप बताओ तो कौन कौन जाएगा बोलो। हम लोग ने प्लानिंग किया है 7 दिनों में पूरा ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा कराएंगे। जोर से हाथ उठाओ, ये गुजरी जो गुजरी है ना घर में रहेगी, हाँ हाथ उठाओ। अब सबको हम ले जाएंगे, ठीक है ना। देखो इसी कथा में आप लोगों का मैंने नाम ले लूंगा और आप लोगों का एड्रेस ले लूंगा। और ठीक कार्तिक महीना से पहले जिस समय बच्चों का छुट्टी भी रहेगी, स्कूल छुट्टी रहेगी, उसी समय में हम ये सोच रहे हैं उसी समय में 7 दिन में पूरा ये 84 क्रोश को परिक्रमा लगाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए बीच में आप लोग का नाम और एड्रेस ले लेंगे, कम से कम आप लोग ब्रज का तो परिक्रमा कर लो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब उन्होंने भगवत अवतारों का नाम ले रहे थे, बोले भैया कृष्ण भी एक अवतार है। सूत्र गोस्वामी तो डर गए, बोले क्यों? बोले कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी। अवतारी मतलब क्या? जिनसे ये सारे अवतार आते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बनाए, बोले एतेचांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्ररी व्याकुल लोकम मृगयन्ति युगे युगे। बोले हे स्वर्णकाद ऋषियों, अभी मैंने जितने नाम लिया है, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, जितने सब अवतार का नाम लिया, ये कौन है? कदि कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म, इनकी अंश के अंश ये सब के सब। लेकिन जो कृष्ण है ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोतसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन। देखो देखो जितने गुजरी, देखो इधर जितने गोपियां तुम्हारे घर में, जो लड्डू गोपाल है ना तुम्हारे घर में बैठे हैं, इसको साधारण मत समझो। वो देखने में लगते हैं बड़े छोटे, लेकिन बड़े खोटे हैं। हम आगे सुनेंगे इंद्र, इंद्र कौन है? सारे देवता का राजा है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद कर दिया उन्होंने। और इंद्र जब बिगड़ गया, कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन उठा लिए और उसको नीचे, सारे ब्रजवासी उसको नीचे आश्रय लिए हैं सबके सब। इसलिए तुम्हारी देवता कौन गुजरों का? गिरिराज बाबा है। कौन है? इसका इको करो। इसलिए श्री गिरिराज बाबा और की गोवर्धन बाबा ही तुम्हारी इष्ट है। और एक मोहन बाबा है, कृष्ण का नाम ही वही मोहन है। कृष्ण ही तो मोहन है ना, कौन है? इसलिए कहते तुम्हारी जो देवता है श्री गिरिराज बाबा और कृष्ण ही तुम्हारी इष्ट है और तुम्हारी इष्ट कोई नहीं। इसलिए इधर उधर हमें भटकनी नहीं चाहिए। आज इसी देवता को पास में चले गए, पूजा करके इच्छा पूरी नहीं हुई ना, फिर और बोले भैया वहां पर और के बाबा कहीं निकला, नया बाबा है, चलो वहां पूजा करने के लिए इच्छा नहीं पूरी हुई, बोले भैया अमुक जगह में और एक देवी और एक देवी नया देवी कहीं निकली, चलो उसको पास में चलो। देखो ये गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी है। उसने किया अच्छी तरह से समझो, जैसे मोदी किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको इलेक्ट्रिका मंत्री बना दिया, किसको अर्थ मंत्री बना दिया, किसको उन्होंने जल मंत्री बना दिया। लेकिन ये सब किस किस के आदेश पालना करते हैं? मोदी की हैं। उसी तरह जो भगवान कृष्ण सरस्वती को बोले तुम विद्या मंत्री, लक्ष्मी को बोले तुम पैसा की मंत्री, इंद्र को बोले तुम जल मंत्री हो, शंकर जी को बोले शक्ति का मंत्री, उनने एक एक देवा देवियों को, माता देवी को बोले दुर्गो की रक्षा करो, उन्होंने एक एक देवता को उन्होंने एक पोस्ट दे करके रखा है।
अगर कोई मोती की शरण में अगर चले जाए, अगर ये मंत्री को पता चलेगा भैया ये मोती का डान हाथ का व्यक्ति है, फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे पीछे कोई नहीं लगेगा। बोले अगर इसको पीछे लगो ना प्रार्थना नौकरी जाएगी। उसी तरह भगवान कृष्ण ने एक एक देवता को एक एक पोस्ट दे करके रखे। जब तुम कृष्ण को शरण में आ जाओगे ना, इसलिए कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब हरि की कृपा हो जाए तुम्हारा पर सब कृपा करेंगे। अगर तुम कृष्ण की शरण में आ गए ना, वो जो शनि देवता, जो मंगल देवता, काल सर्प, जो इधर उधर जो कहते पीछे पड़ते हैं, अगर पता चल जाएगा भैया ये कृष्ण को शरण में, सारे जो ग्रह पर सब दूर चल जाएंगे। अगर कृष्ण चरण को छोड़ दोगे ना, सारे ग्रह आकर तुमको पकड़ेंगे। क्यों? इसका कोई सहारा ही नहीं। हाँ देखो अच्छे तरह समझो। बोले जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, इसको दिमाग में बैठाओ, जब वस्त्र हरण हो रही थी द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु जब दुशासन मेरी वस्त्र हरण कर रहा था, मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, आप आने में इतने देर क्यों लगाए? कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तू सही सही बचा, झूठ मत कहा करो, तू मेरे को क्या सच दिल से पुकारी? बोले क्या मैं ऊपर ऊपर से पुकार रही थी? बोले द्रौपदी सच सच बताओ, जब दुशासन तेरे पास में गया और तुमको लेने के लिए, उसी समय तू क्या सोच रही थी? तू सोच रही थी मेरे पांच पांच पति है, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में कौन है श्री युधिष्ठिर, नकुल सहदेव सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में, ये एक एक महारथी थे, ये सोच रही थी ना? कहते मेरे पांच पांच पति रहते हुए ये दुशासन मेरा क्या कर लेगा, तू सोच रही थी कि नहीं? बोले हाँ प्रभु मैं सोच रही थी। और तुमको जो भरी सभा में ले आए, तू किसकी तरफ में देख रही थी बताओ? हाँ मेरे को पुकार भी रही थी, लेकिन तू किसकी तरफ में, पतियों की तरफ में देख रही थी कि नहीं? इसलिए द्रौपदी मैंने आधा रास्ता में तो आया, लेकिन वो आधा रास्ता से फिर वापस गया। मैंने जब देखा तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले, फिर बीच में मैं क्यों आता? बोले द्रौपदी और थोड़ा पास में भी आया था तेरे को बचाने के लिए, फिर गया। बोले क्यों? बोले तुमने जब देखा ये पति लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सबके सब सर नीचा करके बैठा हुए, तुमने देखा यहाँ पर हमारे गुरुवर्ग लोग हैं, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र, ये तो मेरे पिता लगते हैं ना, मैं तो कुलवधु हूँ, थोड़ी मेरे को विवस्त्र करने के लिए देंगे, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, देख रही थी कि नहीं? बोले हाँ देख रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने देखने वाले लोग, फिर मैं बीच में क्यों आता, फिर चला गया। बोले द्रौपदी एकदम नजदीक में आकर के वापस गया। बोले फिर क्यों गए? बोले जब तुमको कोई नहीं रखा कि लास्ट में अपना कपड़े को तुम स्वयं पकड़ करके रखी थी, दांत को नीचे कपड़े को दबा करके तुमने रखी थी। बोले मैं थोड़ी साधारण हूँ, यज्ञ से मेरी जन्म हुई, अजन्मा मैं हूँ, अपना लज्जा को मैं स्वयं रखा कर लूंगी। बोले द्रौपदी जब तुमको रखा कर सकती हो, फिर मैं बीच में क्यों आता? लेकिन जब तुमने देखा कोई भी तुम्हें रखा नहीं कर रहे, कोई भी, उसी समय में तुमने दोनों हाथ को उठा करके हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरी, हे कन्हैया तेरे सिवाय मेरे को बचाने वाला कोई नहीं, उसी समय में मैं स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है, दुनिया देख रहे थे। देखो ये चीज से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लोगे? अगर कृष्ण को एक मन से नहीं पुकारोगे ना, अगर इधर उधर भटकोगे, भैया बांके बिहारी पहले से ही टेढ़े हैं तीन जगह से, फिर वो टेढ़े ही बन जाएंगे। अगर सीधा बनोगे ना, फिर वो सीधा बनेंगे। ये बंसुरी क्यों बजती है? इसके अंदर में पोला है, वो पूरा खाली है। जैसे चाहते हैं कृष्ण वो बंसुरी वैसे ही बजती है। क्यों? अंदर में खाली है, समझ रहे हो? इसलिए जो तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल बैठे ना, जो गिरिराज बाबा बैठे, ये साधारण नहीं, सारे देवा देवियों का मूल है। इसलिए कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया। देखो अर्जुन मैं कौन हूँ,
जिसको तू शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको तुम देवी कहते हो देखो देवी मेरे में, जिसको हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे में, जिसको गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे में, गणेश गणेश ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, मेरे सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं है। समझ गए कि नहीं, समझ गए हो? इसलिए तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, इसके ही पूजा करो, इधर उधर मत भटका करो, इधर उधर मत जाया करो। इच्छा पूरी करेगा तो यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, और कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया भागवत कथा में आओ, वो क्या बोलते हैं जानते हो? बोले देवी तू चले जा, तू चले जा, तू चले जाने पर हो जाएगा, मैं अपना काम को निपटा करेंगे ना फिर कथा सुनने के लिए आ जाऊंगा। बोले भैया तू खुद निपट जाओगे, तेरे काम नहीं निपटेगा, तुम्हारी काम नहीं निपटेगा, खुद निपट जाओगे। अभी तो किसी ने काम को निपट पाया है, निपटते निपटते खुद ही निपट गए। देखो ध्यान देकर सुनो, आपके एक सही घटना सुनाता हूँ। जैसे देखना, जैसे कोई भागवत कथा रखना परिवार में, अगर परिवार लोगों को निमंत्रण दो कथा में आने के लिए, देखना अगर जो दूर दूर में कोई होएगा लास्ट का दिन ही आ जाएगा, नहीं तो एक दिन के लिए पहला एक दिन ही आ जाएगा, नहीं तो बीच में एक दिन ही आ जाएगा। समझ रहे हो? वो पूरा नहीं आएगा, और वहीं से टिकट बना करके आएगा, एक दिन कथा सुन करके दूसरे दिन में वापस आ जाऊंगा। एक समय कहीं भागवत कथा हो रही थी, एक व्यक्ति कानपुर के कोई व्यक्ति थे, उसने पहले ही टिकट वापस टिकट के लिए, एक दिन जाऊंगा परिवार की कथा है, नहीं जाऊंगा तो बुरा मानी जाएंगे, उसने वापस टिकट बना करके आया, बोले एक दिन कथा सुन करके दूसरे दिन मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसने जब कथा सुनने के लिए आया, उसका मन कथा में लग गया, जब कथा में लग गया सुना और एक दिन में कथा सुनकर जाऊंगा, फिर उसने टिकट बनाया एक दिन के लिए, और एक दिन के लिए उसने टिकट बनवाया। लेकिन उसका काम था डायरी का काम, आप लोगों को पता होगा, जैसे अभी 2019 चल रहा है, नियम है वो डायरी एक साल में ही बिक जानी चाहिए, अगर एक साल में वो डायरी नहीं बिकेगा ना, फिर तो वो डायरी फिर बिकेगी नहीं। उसने अपना मैनेजर को बैठा करके आया था, दो दिन बाद में आ जाऊंगा, लेकिन उसको कथा में जब मन लग गया उसको, उसने फिर और एक दिन टिकट उन्होंने बना दी। उसने इतने में वो मैनेजर का फोन आ रहा है मालिक को पास में, बोले मालिक जी जो डायरी था ना जो बेचने का, वो तो सारी डायरी बिक गई, वो सारी डायरी बिक गई, आप बताओ और क्या नया डायरी बनानी है, और क्या नया डायरी बनानी है। उसने कहा क्या जो एक साल लगता है वो डायरी बिकने के लिए, लेकिन वो दो चार दिन में सारी डायरी बिक गई कैसे? उसने देखा भैया भगवान कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। कहते मैंने कथा सुनने के लिए आया तो सारी डायरी बिक गया। उसने कहा भैया और मैं घर में वापस नहीं जाता हूँ, तू डायरी छपाओ और नहीं छपाओ, जब तक मैं सात दिन कथा नहीं सुनूंगा ना तब तक यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए ये भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष। क्या बताया? कल्प वृक्ष मतलब क्या है? आप जो कुछ मांगोगे ना, इसलिए पद्म पुराण कहता है जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करता है, जो रोगी उसे निरोग प्रदान करता है, जो भक्ति कामी उसको भक्ति देता है, जो सर्व कामी उसको सब कुछ देता है, और जो मोक्ष कामी उसको मोक्ष प्रदान करती है। देखो हमारे जो गुरु जी है ना, देखो ये जो गुरु जी हमारे हैं, देखो इनकी घटना सुनो। ये हमारे बड़े गुरु जी, ये एक पुलिस अफिसर थे, लेकिन इनकी सत्संग में बड़ी रुचि, कहीं अगर सत्संग होगा जरूर जाएंगे। इतने में कहीं संत आए, उनका तो भक्ति में सत्संग में बड़ी रुचि, वो सत्संग सुनने के लिए गुरु जी गए। लेकिन उसी दिन पता नहीं था गुरु जी को, हमारे जो बड़ा अफिसर उसी दिन चेकिंग करने के लिए आएगा, उनको पता ही नहीं था। जब वो सत्संग में गए हुए थे, इतने में जो बड़ा अफिसर चेकिंग करने के लिए आया,
जो उसने चेकिंग करने के लिए आया, लेकिन ये तो गए हुए थे सत्संग में कथा सुनने के लिए। इतने में भगवान को चिंता लग गया, क्यों ये गया मेरी कथा सुनने के लिए। इतने में भगवान कृष्ण स्वयं गुरु जी को जगह पर भगवान स्वयं ड्यूटी दे रहे थे। वो जो बड़ा ऑफिसर दूर से चेकिंग कर रहा था, क्या चेकिंग कर रहा था, ये सही सही ड्यूटी देता कि नहीं। और दूर से देखा वहां पर कृष्ण स्वयं वहां पर स्वयं काम कर रहे थे। उसने देखा ये तो बहुत अच्छे तरह से ड्यूटी संभाल, भाग रहे इधर देख रहा है उधर देख रहा है उधर देख रहा है, बड़े अच्छे तरह से बड़े सिंसियर होकर के ड्यूटी दे रहे थे भगवान। वो ऑफिसर ने कहा भैया ये तो बड़ा अच्छे आदमी है, ये तो बड़े अच्छे तरह से काम कर रहा है, इसका पोस्ट ना और थोड़ा बड़ा पोस्ट दे दूंगा। जब गुरु जी सत्संग से आए, किसने कहा तिवारी जी, गुरु जी ब्राह्मण थे तिवारी बिहार के, बोले तिवारी जी आज तो बड़ा ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया था। गुरुदेव तो डर गए, बोले मैं तो ड्यूटी में था ही नहीं, मैं तो गया था कथा सुनने के लिए। उन्होंने सोचा लगता है मेरी नौकरी गई, मेरी नौकरी गई। दूसरे दिन बड़ी डरते 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 गुरु जी ऑफिस में गई। जब ऑफिस में गए पुलिस ऑफिसर खुद बोल पड़ा, बोले तिवारी जी मैंने देखा तुम बड़े सिंसियर रूप में तुम ड्यूटी दे रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो पोस्ट है ना थोड़ी सी ऊंचा पोस्ट तुमको दे दूं, थोड़ी सी तुम्हें ऊंचा पोस्ट दे दूं, थोड़ा काम तुम्हारी कम हो जाएगी। गुरु जी ने कहा भैया मैं तो कल था ही नहीं ड्यूटी में, मैं तो गया था सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए गए थे। वो सत्संग करते हैं ना उनको पता है, कृष्ण कहते हैं मेरे तरफ में जो एक कदम बढ़ता है मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाता हूँ। कृष्ण स्वयं कहते हैं, वो समझ गए भगवान स्वयं आज मेरे रूप धारण करते हुए ड्यूटी देने के लिए गए थे। फिर गुरु जी ने नौकरी उन्होंने परित्याग, उन्होंने नौकरी परित्याग करके जिंदगी भर के लिए उन्होंने ठाकुर जी की नौकरी में लग गए, भगवान की नौकरी में उन्होंने लग गए। और गुरु जी इतने साधन भजन किए, गुरु जी इतने उन्होंने साधन भजन भक्ति की, संपूर्ण विश्व में जिनके नाम एकदम टहलका रूप में सारा विश्व में जिनकी पूजा हो रही है, सारा दुनिया में उन्होंने ये सनातन धर्म को प्रचार की। देखो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के लिए आएंगे ना, हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, सारे काम ठाकुर जी कर लेंगे, सारे काम ठाकुर जी तुम्हारी करेंगे। इसलिए श्री सोनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, हे सुत गोस्वामी अगर किसी व्यक्ति को बोलो कथा सुनने के लिए आओ, किसका अगर छोटे मोटे कोई काम हो ना, बोले मेरे पास में समय नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज उसी समय में संपूर्ण ये पृथ्वी के ऊपर राजत्व कर रहे थे, वो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन उन्होंने 7-7 दिन कैसे कथा सुनी। और श्री सुखदेव गोस्वामी साधारण थे नहीं, वो एक जगह पर उतना समय तक टिकते थे, एक एक गो दोहन करने में जितने समय लगता है, लेकिन 7 दिन उन्होंने 16 साल तक मुंह नहीं खोले, लेकिन जब मुंह खोले है ना 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किए, 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किए। और श्री परीक्षित महाराज 7 दिन तक बैठ करके उनने कथा कैसे सुनी, जब उन्होंने ये प्रश्न की और ये भागवत ग्रंथ बना कैसे, क्यों श्री व्यास देव ने ये भागवत ग्रंथ बनाए, इसका क्या रहस्य है, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा, आप कृपा करके सारे प्रश्न की आप उत्तर प्रदान करो। इतने में श्री सुत गोस्वामी इसकी रहस्य कहते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी तासव्याम कलया हरे। अभी जो व्यास देव है कहती है भगवान की सत्या वे सब बता रहे, इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा कलयुग आ रहा है। पहले ये ग्रंथ प्रत्यु नहीं होता था, क्यों, ये गुरुमुखी विद्या होती थी, गुरुदेव बोलते 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 सब जितने वेद पुराण उपनिषद सब रटा लेते थे, क्यों, पहले जो बुद्धि बड़ा तीव्र होता था, बड़ा तीव्र बुद्धि होता था, इसलिए हमारे शास्त्र में बताया जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालना करे, कितना साल तक, 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य को पालना करता है उसका बुद्धि इतनी तीव्र होता है, इतनी तीव्र बुद्धि जो एक बार सुनेंगे ना वो याद कर लेगा। इसलिए पहले लोग ब्रह्मचर्य पालना करते थे, लेकिन अभी ये इंटरनेट स्मार्टफोन टीवी ये सब गंदी गंदी चीजें आकर के ना
सबका सत्यानाश उसने कर दिया, सबका सत्यानाश उसने कर दिया है। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य को इसलिए सब याद कर लेते थे, और फिर कलयुग में सब हाइब्रिड देख रहे बन रही है, कोई आपको प्योर चीज मिलेगी नहीं। इसलिए उन्होंने ये दृष्टि से देखा, देख करके उन्होंने एक वेद को चार वेद रूप में, फिर उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, फिर उन्होंने सत्र पुराण देखा, स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद श्री महाभारत बनाई, जिसमें श्री भगवत गीता। लेकिन ये सब बना करके भी शांति नहीं इनकी। एक दिन श्री नारद जी आए, बोले बेटा लगता है तू दुखी। बोले गुरु जी सही बता रहे, मैंने जीव के कल्याण के लिए इतने ग्रंथ बनाया, लेकिन मेरे को पता नहीं लग रहा है शांति की नहीं मिल रही। आप गुरु है ना, गुरु मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकार त्वात रुकार तस्य निरथक, जो शिष्य के हृदय की अज्ञान को दूर करके जो दिव्य आलोक को संचार कर दे। नारद जी ने कहा देखो तुमने जो ग्रंथ बनाया ना, भविष्य में लोग झगड़ा करेंगे, क्योंकि जहां तुमने शंकर जी की महिमा गाई शिव पुराण में, तुमने क्या कहा? सत्यम शिवम सुंदरम। अगर कोई शिव पुराण पढ़ लेना और वो किसी को पूजा नहीं करेगा, भैया भोले बाबा ही सब कुछ है। और जब देवी पुराण में बोले भैया जगदम्बा जगत जननी, उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, वही सब कुछ, फिर वो देवी को छोड़कर उसको पूजेगा नहीं। जहां तुमने गणेश जी की महिमा गाई, बोले भैया 33 करोड़ देवता में तो पहले पूजा इनकी होनी चाहिए, वो और किसी को पूजा ही नहीं करेगा। और जो ब्रह्मा जी की ग्रंथ पढ़े, बोले भैया दुनिया को तो सृष्टि करे वही कर रहे। जिसने सूर्य देवता की महिमा गाए, बोले दुनिया को तेज राशि जगत पते, दुनिया को तेज तो सूर्य दे रहा है। बोले भैया भविष्य में सब झगड़ा करेंगे सब ग्रंथ को लेकर के। बोले गुरु जी कमी तो क्या बताओ? बोले कमी ये है, बोले जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाश, जीव भगवान की संतान अंश है, इसलिए होने का नाते। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, पिता अहमस्य जगत धाता माता पितामह, ये दुनिया की पिता माता भाई बंधु मैं हूं, ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये मेरे अंदर में, ये विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ। इसलिए हे अर्जुन मेरे से पर तत्व जगत में कुछ नहीं। इसलिए अगर तू शांति पाना चाहते हो, भगवान कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुना। कैसे कृष्ण भगवान होकर के गोपियों के घरे कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करते थे, विश्व ब्रह्मांड को जो माया से बंद करके रखे, लेकिन मैया जसोदा कन्हैया को उखल में बांध दी। भगवान कैसे विश्व ब्रह्मांड जिनकी झूठन खाते हैं, कृष्ण किसका झूठा खाते? सखाओं को झूठन खाते हैं। भगवान कैसे गोपियों को साथ में कैसे रास रचाए, भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाओ। और भगवान और उनको शुद्ध भक्त इनकी कथा सुनाओ, तुमको शांति मिलेगी। इसलिए भागवत ग्रंथ रचना करो, केवल भक्त और भगवान जो शुद्ध रूप में जो भगवान की भक्ति की, वो सब संतों का चरित्र सुनाओ, तुमको शांति मिलेगी। लेकिन तुमने क्या बताया? बोले भैया घर गृहस्थी करते रहो, करते करते जब संसार से विरक्ति हो जाएगा ना, संसार से जब विरक्ति हो जाएगी फिर भजन कर लेना। आप लोग बताओ, देखना जो जितने, हमने तो बहुत जगह में गए, जो जितने ज्यादा उम्र के हो गए ना, उसका उतना ही संसार की चिंता ज्यादा है। मैं घर घर में गया हूँ, जितने बड़ी बूढ़ी कहते हमें कहते हैं थोड़ा आशीर्वाद कर दो, नाती की तबीयत, बेटा की बहू की इसकी तबीयत सही हो जाए, उनकी ये परेशानी, बेटी की भी शादी नहीं हुई, अभी बेटा का शादी नहीं हुआ। जितने ज्यादा उम्र होता जाता जा रहा है, मैं देखता हूँ ज्यादा ही संसार की चिंता ज्यादा ही है, ज्यादा ही संसार की चिंता है। हम सोचते जितना उम्र हो गया भैया, बोलना 50 साल, 50 के बाद में एका बन बा बन, मतलब क्या 50 को साथ में बाद में शास्त्र कहता है, और घर में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए एका बन बा बन, बोले वृंदावन जाओ, जा वृंदावन जाओ भजन करो। इसलिए ये बन 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 बा बन चौ बन, इसलिए इसे बन बन शब्द आता है, और घर में नहीं रहनी चाहिए, शास्त्र मना करता है। 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थी, बच्चों को जन्म दो, लिखा पढ़ाई कराओ, जब एकावन हो जाए क्या करो? वृंदावन। इसलिए बन बन बा बन चौ बन, ये सब बन बन। अगर बन नहीं जाओगे ना, कहते 68 60
61 62 63 पर सठिया बन जाओगे। बांस जब कच्चा हो ना टेढ़ी हो जाती है, जब पक जाए वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। फूल जब खिला हुआ हो ना वो ठाकुर जी के चरण में चढ़ेगा, वो मुरझा जाने पर नहीं। कागज जब कोरी कागज हो ना उसके ऊपर कुछ लिख सकते हो, लिखने के बाद लिखा नहीं जाता है, हैं? मिट्टी जब कच्चा हो, कच्चा मिट्टी में कुछ बन सकती है, पक्के हुए मिट्टी में कुछ भी नहीं बनने वाले, समझ रहे हो? लेकिन उसमें और एक बात बताए, बड़े अनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर मतलब क्या, तू तर सकते हो, तुम्हारी भी उद्धार हो सकती है। बोले कैसे? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सठ सो धरे सत गत पाई, सत सो धरे सत गत पाई, सत सो धरे सत गोस्वामी जी कहते हैं हमारे कल्याण हो सकता है अगर भाग्य से कोई संतों का दर्शन हो गया, जैसे श्री वाल्मीकि नारद जी का संगम मिल गया, कल्याण हो गया, यानी कल्याण ही हो गया। अगर जीवन में संतों का संग अगर मिल गया ना भाग्य से, कर तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगी, तुम्हारी भी कल्याण हो जाएगी, समझ रहे हो? इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं। लेकिन श्री नारद जी ने बताया, तुमने बता दिया भैया, संसार करते करते आप देखना जितने बड़े बूढ़े होते जाओगे सबका डंडा हमारे ऊपर पड़ती है, बच्चा की डंडा, बहू की डंडा, नाती की, सबकी गाली, सबकी गाली हमें ऊपर पड़ती है। लेकिन जितने गाली पड़ती है ना, वो संसार से विरक्त नहीं, उतना संसार में आसक्ति, और ज्यादा आसक्ति 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 जाती होती रहती है। हाँ देखो, हर साल आपको कथा सुनाता हूँ ना कैलाश की। बोले एक दिन नारद जी मरते जगत में आए, घर घर में गए, बोले ठीक ठाक हो, ऊपर में तो मुंडी हिलाए ठीक ठाक, लेकिन अंदर की जब बात सुने ना, बोले कोई भी ठीक नहीं, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, परिवार से दुखी, बहू से दुखी, बेटा से दुखी, हैं, सास से दुखी, ननद से दुखी दुखी। बैकुंठ में गए थे, कहा बैकुंठ खाली पड़ा हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ जीवों को उठा करके ले जाओ ना, ये बैकुंठ खाली पड़ा हुआ, तुम्हारी कोई चंदन घिसका रसोई बनाएगा। बोले नारद जी मैंने चबीस चबीस अब उतार लिया, ये संसार की माया छोड़कर कोई भी आना नहीं चाहते। बोले प्रभु मेरे को विश्वास नहीं होता है, मेरे को विश्वास नहीं होता है। बोले तेरे ऊपर मैं दायित्व देता हूँ, जा जितने जीव मिले पकड़ करके मेरे पास में ले आओ। बोले प्रभु जी आज ही ये बैकुंठ में भर दूंगा। अभी नारद जी आए, हाँ करके देखा, एक किसान को देखा खेती कर रहा था, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, बोले तो जरूर जाएगा। बोले बैकुंठ जाओगे? बोले अपना रास्ता देख। बोले बैकुंठ जाओगे? अभी खेती कर रहा हूँ, गेहूं होगा परिवार। बोले बैकुंठ चलो। थोड़ी दूर गए, एक माता जी कुएं से पानी भर रही थी, बोले तो ये तो जाएगी। बोले जाओगे बैकुंठ? बोले अभी मैंने रोटी बना करके आई हूँ, अभी जा करके कुएं से पानी लेकर सब्जी बनाऊंगी, पत्ती बच्चे खाएंगे, तू कहते बैकुंठ चलना, हमारे पास में अपना रास्ता देख। अभी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। देखा एक व्यक्ति घर को बाहर 80 साल के बाहर बैठा हुआ। बोले ये तो बूढ़ा हो गया, ये तो जरूर जाएगा। बोले तुम्हारे नाम क्या? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले बैकुंठ ले आओ, बैकुंठ चलोगे? बोले हाँ, जाने का तो इच्छा है, लेकिन एक बात अभी एक बाकी रह गया एक काम। बोले क्या? बोले बेटा का सगाई हो गई, शादी होने वाली, बस शादी हो जाएगा तो सारे काम खत्म, बैकुंठ जाऊंगा। नारद जी ने देखा कोई तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, बड़े कष्ट से एक व्यक्ति हाँ भरा, नारद तो पीछे ही पड़े। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में। जब कुछ दिन बाद में आए, बोले क्यों? बेटा का शादी हो गया। बोले बाबा आपका आशीर्वाद से इतनी अच्छी बहू आई, सवेरे उठते ही प्यार छूती है, और घी से चुपड़ी चुपड़ी रोटी बनाकर खिलाती है, और सो तो प्यार दबा देती है, और इतनी आज्ञाकारी बहू क्या बताऊं। बोले अभी चला बैकुंठ चलो। बोले देखो मैंने सुना है अगर पुत्र जन्म दो तो पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, लेकिन अगर नाती पोती देखो ना, मैंने सुना स्वर्ग होता है। अभी बहू गर्भवती, अभी बच्चा होने वाले, सारी इच्छाएं खत्म हो गई।
केवल एक बहू के बेटा को मुंह देखे करके सीधा मैं अपने चलूंगा। बोले पहले बोल रहा था बेटा का शादी हो जाए, कहता है फिर बेटा का बेटा देख करके। बोले किसी तरह से हाथ भरा, नारद जी कुछ दिन बाद में आकर के देखते हुए ही नहीं, बेटा से पूछा भैया गया कहाँ पिता? बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, एक चेला बनने था वो भी सिधार गया। बोले ये कहीं नहीं गया क्योंकि इसको संसार में बड़ा आसक्ति था। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अंतिम समय में जैसे जैसे सोच करके प्राण त्याग दो ना वैसे ही जन्म होता है। ये कहीं नहीं गया, ये घर में ही है। ध्यान लगाया, देखा घर में कुत्ता बन कर गया है और दी रात भर सोता नहीं है। रात भर कहते ना, देखो कहते हैं ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, वो सब जगह भी कुत्ते जन्म नहीं लेते। देखना घर की कोई कुत्ता होगा ना तो तुम उसको भगाओ, वो भगेगा नहीं, फिर घर में घूम घाम के आएगा। बोले क्यों? बोले घर उसकी है, उसने ये घर बनाया, भगाओगे कहां पर? उसने ये घर बनाया, इसलिए कुत्ता कहीं नहीं जाता है। देखना किसी व्यक्ति को घर में घुसने नहीं देता है। बोले क्यों? बोले मैंने बनाया ना घर को, ये घर मेरा है। देखा घर में कुत्ता बन करके बना। बोले नारद, बोले कैलाश अभी तो चलो वैकुंठ, कुत्ता बन गया। बोले गुरु जय, मुझे बच्चा ना इतने नालायक, इतने मैंने जमीनी जागा तो मैंने किया कष्ट करके, ये रात को सो जाता है, उसको पता नहीं चलता कौन क्या उठा करके ले जाएगा, इसलिए रात भर में पहरादारी में देता हूं। बोले कब चलोगे? बोले बच्चा थोड़ा होनहार हो जाए, कुछ दिन बाद में आता है, कुत्ता भी मर जाता है। ध्यान लगा करके देख घर में बैल बन करके आया, खेती करता है। बोले अभी तो चल वैकुंठ। बोले गुरुदेव ये बच्चा थोड़ी सी बड़ा हो जाए, थोड़ी सी समझदार, इतने खेती जमीनी जगह तो किया, वो खेती नहीं करता छोड़ देता है, इसको क्या पता कितने कष्ट करके मैंने ये खेती किया था, खरीदी किया था, इसलिए उसको लेकर के जोर जबरदस्ती खेती करवाना पड़ता है। बोले कब चलोगे? बोले बच्चा थोड़ी सी होनहार हो जाए, फिर आता है, बैल भी खत्म हो जाता। उनने ध्यान लगाया, आपको पता होगा पहले पहले कलसी में सोने चांदी को रख करके ना वो अपना बगीचा में गाड़ देते थे, चोरी नहीं हो जाए, लेकिन उन्होंने गाड़ करके रखा था। लेकिन उसको पता कहाँ पे ने गाड़ कर रखा था, देखा उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बनकर बैठा हुआ, किसी को भी फटकने नहीं देता है। नारद जी ने देखा इसको पीछे मैंने तीन जन्म भटक गया, अभी भी ये आसक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। बोले जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ये ठंडा होने वाले नहीं। बोले बेटा तेरे पिताजी किचु सोने चांदी की मोहर बगीचा में गाड़ करके गए, उसको ऊपर में एक काला सर्प बैठा हुआ कि लठिया लेकर के आ, मारना नहीं कमर तोड़ देना केवल। वो बड़ा खुश होकर के डंडा लाया और अपना पिताजी को मारा, मारा तो पिताजी की कमर ही तोड़ दिया। सांप का कमर टूट जाए ना फिर भाग नहीं सकता है। बोले उसको फेंको, गड्ढा खोदो। देखा तो सचमुच से कल से निकला वो सांप, आग फाड़ फाड़ कर देख रहा था। क्यों? उसकी आसक्ति थी, उसकी आसक्ति वहीं पर थी। बोले कैलाश अभी तो भजन करोगे? बोले गुरु जी अभी मैं भजन करूंगा, इसका पीछे मैंने तीन जन्म तक भटक दिया, ये खुद नहीं सुधरा, हाँ इसको मैंने सुधार नहीं सका। फिर उन्होंने मंत्र दे करके उसको वैकुंठ ले गए। भगवान ने कहा क्यों नारद जी, बोल रहा था वैकुंठ भर दोगे, कितना भर दिया? बोले ठाकुर जी सही बोल रहे हो, चार जन्म के बाद में उसको लेकर आया। देखो आपको एक चीज दिखाऊंगा, आप ध्यान देकर देखो, बढ़िया चीज दिखाऊंगा। आप लोग सोचोगे इस गप्पे ही सांप बन गया और कुत्ता बन गया, बैल बन गया, सो झूठा बात। देखो मैंने कथा करने गया था झाड़ग्राम, जब मैंने ये कथा सुना रहा था, एक व्यक्ति उसी दिन मेरे को एक न्यूज पेपर ला करके दिखाया। बोले बाबा आप सही बता रहे हो। बोले क्या सही बता रहे हो? बोले लो ये पेपर पढ़ो। वो पेपर मेरे इतने में उसने झन करके आवाज हुई। बोले भैया आवाज कहाँ से हुई? उन्होंने देखा वहां पर दोनों दो पीतल का कलश निकली और उसमें सोने चांदी की मोहर दोनों कलश में भरा भरा हुआ और दो जहरीले सर्प और कलसी को लपेट करके वहीं पर बैठे हुए और किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। पुलिस में खबर हो गया, इतने में पुलिस आ गई तो देखा सचमुच से दो कलसी है और सोने चांदी की उसमें मोहर है और दो जहरीले सर्प किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे।
इतने में पुलिस ने किया कि वो दोनों जहरीले सर्पों को बोरी में भरे, बोरी में भर करके 3 किलोमीटर दूर में इसको छोड़ करके आए। देखा 2 घंटा के बाद में फिर दोनों सर्प वहीं घूम रहे हैं, किसी तरह से उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, किसी तरह से। इसलिए उन्होंने मेरे को वो न्यूज पेपर दिखाई, देखो आपको मैं वो न्यूज पेपर दिखाता हूँ। देखो अगर आपकी इच्छा होगी ना, अब बाद में इसको लेकर के मैंने फोटो खींच कर लाया न्यूज पेपर का। देखो ये न्यूज पेपर में, देखो इसमें ये 2 कलसी है, इसमें डिटेल्स रूप में कौन सा गांव था, वो व्यक्ति का नाम क्या था, वो मोहर में रानी एलिजाबेथ का नाम, वो मोहर के ऊपर में कितने मोहर थी, वो किसका घर था, इसमें डिटेल्स रूप में। देखो ये डिटेल्स अगर होगा तो कथा के बाद में आप लेकर इसको पढ़ सकते हो डिटेल्स रूप में। देखो 2 कलसी है और 2 जहरीले सर्प हैं। इसलिए देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण खुद कहते हैं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कहते हे अर्जुन, मरते समय जैसे सोच सोच करके प्राण त्याग दोगे, तुम्हारी वैसे ही जन्म लगा। इसलिए हे अर्जुन क्या करो, सदा तद्भावे भावित, हर समय प्रभु की चिंतन करो। हर समय किसका चिंतन करो, ठाकुर का चिंतन करो। देखना जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, पूरा परिवार के लोग घिरे हुए रहते हैं। बड़ी बेटी कहती है, पिताजी मेरे को भाई जाने रहे हो, आपकी मैं बड़ी बेटी हूँ। दामाद कहता है, पिता ससुर जी मेरे को पहचान रहे कि नहीं, आपका मैं छोटा दामाद हूँ। हैं, देखना सारे चारों तरफ में घिरे हुए रहते हैं और वो व्यक्ति सबको ऐसे देख 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 करके लास्ट में अंतिम श्वास त्याग करता, संसार में भटक करता। हाँ देखो, ध्यान देख रहे सुनो, ऐसे कौन सा उपाय है, ये चीज को लेकर जाओ आज, ऐसे कौन सा उपाय है, हम घर में रहेंगे, बीबी बच्चे परिवार सबके सब घर में रहेंगे, लेकिन अंतिम श्वास छोड़ेगा ना, हम सांप नहीं बनेंगे घर में, कुत्ते नहीं बनेंगे, क्या इसका उपाय किया। कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, अर्जुन जत करोसी जत स्नासी जस जोहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्तेय तत् पुरुष मदर्पण। हे अर्जुन, अगर तुमने अपना परिवार को भगवान की कृष्णमय बना दिया, भक्तिमय बना दिया, अगर जिस बेटे को तुम प्रेम करते हो, अगर वो बेटे की गले में तुलसी कंठी है, वो तिलक लगाए हुआ प्रभु का नाम जप कर रहा है, जिस पत्नी को प्रति तुम्हारी आसक्ति है, अगर वो बेटी के गले में कंठी तिलक प्रभु का नाम जप करता है, जिस परिवार में तुमने आसक्ति रखे, अगर ये परिवार पूरा के पूरा कृष्ण भक्तिमय परिवार, घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति, घर में कोई गंदा चीज चलती नहीं, घर में सबके सब प्रभु की भजन भक्ति करते हैं, अगर अंतिम समय तुम बेटे को भी याद करते करते जाओगे ना, सीधा वैकुंठ जाओगे, क्योंकि जिसे बेटे को तुम देख रहे हो आसक्ति है, वो गले में कंठी तिलक पहना हो, वो प्रभु का भजन करता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, अनाचार को छोड़ करके, अनाचार मतलब कोई गंदी चीज को ग्रहण मत करो, 4 चीज गंदी है। परीक्षित महाराज जहां पर स्थान दिया कली को, पहला नंबर है जुआ मत खेला करो। क्या नहीं खेलनी चाहिए, जुआ। बोले क्यों, स्वयं युधिष्ठिर महाराज सिखा दिया, देखो मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूं, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितनी सत्यानाश हो गई, पहले तो राज्य गया, फिर भाइयों को भी दाव में लगाया, भाई लोग भी गए, उसको बाद में पत्नी को भी दाव में लगा दिया, द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर 12 साल तक हमें जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल तक अज्ञातवास में विराट का राज्य में हमें दासत्व करना पड़ा। कहां धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन करते थे क्या काम, कंक का काम, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन नृत्य विद्या सिखा देता था, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम करता था क्या, रोसई बनाता था, नकुल सहदेव घोड़ा साला संभलते थे। देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, गांव में जुआ खेलना नहीं होनी चाहिए, स्वयं धर्मराज शिक्षा देते हैं। अगर तुम्हें के रोड में घूमना हो, इच्छा हो कांगाल बनकर के रोड में अगर इच्छा हो घूमने का, तभी ये जुआ में हाथ दो, नहीं तो ये जुआ में कभी हाथ मत दो। जुआ खेल करके अभी कोई बड़े आदमी बने ही नहीं, कभी भी कोई बड़े आदमी बने नहीं,
इसलिए गांव में जुआ, इसलिए स्वयं ये युधिष्ठिर महाराज क्यों खेले, उनको प्रश्न किया, बोले खुद क्यों, आप तो धर्मराज हो। कहते दुनिया को शिक्षा देना चाह रहा था, जब मैं स्वयं धर्म स्वरूप होकर के इतने मेरी सर्वनाश हुई, अगर साधारण व्यक्ति करेगा तो क्या सर्वनाश नहीं होगा। इसलिए कभी गांव में जुआ नहीं खेलनी चाहिए, ये पहला चीज है। जुआ खेलने पर क्या होगा, कहते धर्म का पहला चरण सत्य, ये सत्य नष्ट हो जाएगा। क्यों, वो झूठ बोलेगा, बोले भैया तेरे को आज मेरे को 5,000 रुपया दे दे, तेरे को कल ही दे दूंगा। ये जब जिसको नशा लग जाती है ना, वो बैठ भी नहीं सकता, खड़े भी नहीं हो सकता है। जब तक घर द्वार बिक नहीं जाएगी ना, वो खड़े भी नहीं हो सकता, वो छोड़ भी नहीं सकता, बैठ भी सोचता है और एक दाव लगा देना शायद मिल जाएगी। बस दाव लगाते 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 सारे दाव खत्म, रोड के भिखारी बन जाओगे। इसलिए कभी भी गांव में कोई भी जुआ खेलता होगा, कभी भी प्रसर मत दिया करो, ठीक है। ये धर्म का पहला चरण खत्म। दूसरा चरण है पानम। पानम का मतलब होता है नस्ली वस्तु, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नस्ली वस्तु में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। पहले मैंने बताया था ना, शराब पीने से कितना लाभ है, बोले 3 लाभ है। कितना लाभ है, 3। पहला लाभ क्या, वो बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ क्या, बोले चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या, बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा ना। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में हरिनाम लेने के लिए, माला लेने के लिए आई। मैंने देखा 30 साल की, लेकिन देखा वो विधवा है। मैंने कहा कितने बच्चे, बोले 2 बच्चे हैं। बोले मैंने कहा पति की, पति कहाँ, बोले पति शरीर छोड़ दिया। बोले क्यों, बोले वो पीते थे। वो क्या करता था, पीता था। बोले पीते 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 लास्ट में दिखाई पड़ा साथ दोनों लीवर खत्म, सब कुछ खत्म उसको, और कोई उपाय था नहीं। पी पी करके लास्ट में देखा उसको सारे कुछ सब खत्म है, कोई उपाय नहीं था बचाने का, बस मर गए। इसलिए मैं रसिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, देखता हूँ लड़की लड़की ज्यादा है। मैंने कहा भैया इतने लड़की क्यों, वो बूढ़े बड़े कहाँ गए। बोले यहाँ पर ज्यादा शराब पीते हैं, वो शराब पी पी कर करके बस खत्म हो जाते हैं। इसलिए लोगों का नपुंसकत्व हो जाता है, बेटा ज्यादा नहीं वो बेटी ज्यादा जन्म लेती है। इसलिए दूसरा लाभ क्या, बोले चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगी, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो सब बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर दे, बड़े चोरी किस चीज की होगी। तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह में पेशाब कर जाएंगे। इसलिए देखो ये सब चीज से ना तुम्हारे बच्चों को बचाना, घर से तुम्हारी बच्चों को ये सब चीज से बचाना। एक गांव में कथा करने के लिए गया था, अभी वो गांव में एक शराब का दुकान था। अभी पति लोग रोज रोज शराब पिए, घर में आकर पत्नियों को तंग करे, लड़ाई झगड़ा करे। वो जितने गांव के माता जी थे ना, एक मीटिंग बनाई और जितने गांव के माता जी सबके से लठिया लिए और लठिया लेकर गए, वो जो शराब का दुकान था उसको सबके शराब का दुकान को तोड़ तार करके तो सत्यानाश कर दी और सरकार को खबर दिया, पुलिस को, यहाँ पर शराब की ठेका खोल करके हमारा पति बच्चों को ये बिगाड़ रहे हैं सबके सब, यहाँ और ये शराब की ठेका नहीं होनी चाहिए। पुलिस में खबर कर दी, पुलिस आकर मना कर दिया उसको, बोले खबरदार यहाँ पर कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जो गढ़ी वासी है, गांव में कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, पति बिगड़ेंगे, बच्चे बिगड़ेंगे, सबके सब बिगड़ेंगे। इसलिए ये चीज में ध्यान दो, नहीं तो जिस घर में कोई पुरुष शराब पीता है घर में शांति से होनी होगी, घर में उसको देख करके फिर बेटा भी वही पिएगा, क्योंकि पहला गुरु तो पिता माता है। देखो आपके एक सही घटना सुनाता हूँ, मैं विदेश प्रचार करने के लिए जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर्थ है, वो पर्थ में मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ। कहते दो पति पत्नी गुजराती है, उसका 2 बेटे, छोटा बेटा तो माँ की बात सुनता, माँ जाती है भक्ति करती है, हमारे गुरु जी की शिष्य है, इसको ने जाती है भजन करती है, इसलिए बेटा उसकी बात, लेकिन जो बड़ा बेटा वो पिताजी की बात सुनता है, लेकिन ये बड़ा बेटा भी पीता है, ये बड़ा पिताजी पीते हैं। पत्नी ने बहुत समझाया ये काम मत करो, बच्चों के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता, इसको मत करो, बहुत समझाया पत्नी, लेकिन उसने समझा नहीं। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ ना,
बस देखा पिता पी रहा है ना, वो भी पीना शुरू कर दिया। अब पिता भी पागल बन करके आ रहे, बेटा भी पागल बन करके, दोनों जो पी करके आए, फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा अशांति होना शुरू हो गया। अभी उसको अकल आया पिता को, बोले पत्नी सही बोल रही थी, मत पिया करो, अभी तो मैं स्वयं पिता हूँ, बच्चा भी पी करके पागल होकर आ रहा है, दोनों ही पिता और बेटे घर में लड़ाई कर रहे हैं। उसको बाद में पिता ने पत्नी को चरणों में माफी मांगी, तुमने सही बता रही थी, उसी समय में अगर मैं मांग जाता मेरा बेटा नहीं बिगड़ता। अब बेटे मैं खुद पिता, बेटा को कैसे मना करूं मत पियो। धीरे 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 उसने शराबा को छोड़ा, हमारे बड़े गुरु जी के पास में आए, दीक्षा मंत्र लिए, खुद संभाले और बच्चे को धीरे धीरे उसने संभाला, बच्चे को भी धीरे धीरे। इसलिए आप लोग कोशिश करना घर में जैसे कोई नहीं पिए, ठीक है। इसलिए तीसरा जो है कहते श्री स्त्रियम, स्त्रियम का मतलब है संसार करो शादी शुदा करके, इसने बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे उधर का नहीं, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए पंचम स्कंध में बताया बगैर शादी के जो लड़का लड़की, लड़की लड़कों से मिलते हैं, पंचम स्कंध में मरने का बाद लोहे की मूर्ति जला हुआ गर्म करके लोहे की मूर्ति उसको उसको जोर जबरदस्ती आलिंगन करवाते हैं, बोले तुमने अवैध रूप में गलत काम किए हो, इसको आलिंगन करो, बड़ा कठोर दंड है उसका। इसलिए कभी संसार करो, शादी करके पति पत्नी गृहस्थी बनाओ, बगैर शादी के नहीं, असत संग नहीं करनी चाहिए। संसार करो, धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताओ, जो पत्नी को साथ में एक जीवन बिताता है एक तरह का ब्रह्मचर्य जीवन है, पत्नी को साथ में ही अपना घर गृहस्थी करो, इसमें पवित्रता नष्ट। और जो चौथा है जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब होता है हमें मांस मछली अंडा नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। इसलिए जीवन में इसका नाम मांस, मांस मतलब क्या, ये एक संस्कृत शब्द है, मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तुमको जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहते, बोले मीट, बोले मीट मतलब क्या, बोले मी ईट बा ईट मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, बोले तुम अभी जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए मीट बोले ईट मी मतलब मी ईट, हाँ मुझे खाने तो मेरे को तू खा। इसलिए इसलिए भागवत में कथा आती है, कोई एक राजा था जो कि ये जानवर को मारता था खाता था, नारद जिससे मिले बोले ये सब क्या कर रहे हो, बोले यज्ञ में पशु बलि दे रहा हूँ, बोले इसका फल क्या तेरे को पता, बोले क्या फल है, बोले तेरे को अभी दिखाता हूँ। नारद जी डायरेक्ट दिखा दिया, उन्होंने मंत्र पुत करके पानी छिड़काव करवाए, देखा उसको घिसड़ते हुए ले जा रहे हैं, और जितने जानवर को उसने खाया था तलवार लेकर के लाइन से खड़े हुए, उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे, चित्कार कर रहा था और नहीं छोड़ो छोड़ो, बोले जब हमें मार रहा था। इसलिए भैया पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, इसलिए ये सब चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शुद्ध रूप में घर में भगवान की प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, बगैर प्याज लहसुन के भोग लगानी चाहिए। जैसे अभी नवरात्रि आप लोग कर रहे थे, कौन कौन नवरात्रि कर रहे थे हाथ उठाओ, तो आप लोग 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन खाते थे नहीं, बोले क्यों नहीं खाते थे, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खा रहे थे ना, क्या 9 दिन तक मैया को खुश करो फिर उसको बाद में फिर प्याज लहसुन खा कर नाराज कर दो, नहीं। इसलिए कल हम ये कथा सुनेंगे प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए। पहले हमारे किसी हिंदू घर में ये प्याज लहसुन नहीं चलता था, इसको मुगल ने लाए, ये मुसलमान लोग ने लाए प्याज लहसुन, ये मांस मछली हुए लाए, हमारी संस्कृति नहीं। अब एक दो पीढ़ी पहले अपना घर में देखो, हर घर में ठाकुर को पूजा सेवा भोग लगता था, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने आकर के हमारी संस्कृति बिगड़ गई हमारी। इसलिए हमें शुद्ध रूप में भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पानी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके हाथ उठा, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे।
देखो परीक्षित महाराज जब कली को चार जगह दे दिया ना, एक जगह दो जहाँ पर सब चीज मिल जाएगी। देखो ध्यान देख रहे सुनो, तब उन्होंने पैसा में सुवर्ण में स्थान दिया। मतलब क्या, कभी ये जुआ कौन खेलेगा, ये शराब कौन पिएगा, पांच हजार हजार रुपया की मांस को कौन खरीद कर खाएगा। कर जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा वही ये सब काम को वही करता है, हैं? लेकिन यहाँ पर प्रश्न होता है भैया, पैसा तो लक्ष्मी, पैसा क्या है, पैसा लक्ष्मी है, पर लक्ष्मी में ये गंदी चीज कैसे आश्रय करता है। आप लोग बताओ, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग बताओ तो पैसा ये लक्ष्मी की बहन कौन है, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, बोलो लक्ष्मी की बहन कौन है, जोर से बोला ये उल्लू। मतलब जब पैसा घर में आती है ना वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है और हमें उल्लू बनाती है। लेकिन ये पैसा की और एक बहन है, कहते कौन है, एक तो उल्लू उसकी बहन और एक बहन है, कहते और एक बहन इनकी गरु है। देखो ये चीज को समझो, आप देखना जो उल्लू वो अकेली उल्लू को ऊपर में माँ लक्ष्मी अकेली बैठती है, लेकिन देखना गरुड़ को ऊपर में लक्ष्मी अकेली नहीं, वो नारायण को साथ में गरुड़ जी बैठते हैं। बोले इसका मतलब क्या है, लक्ष्मी को बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, पैसा के बगैर कुछ होगा नहीं। अगर पैसा को तुम इसलिए बुलाओगे भोग करने के लिए, हे माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों, बोले तेरे को हम भोग करेंगे। लक्ष्मी बोली तुम मेरे को भोग करोगे, तब वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है, जितने अनर्थ जितने पाप को लेकर के आई। लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की, अगर उसको नारायण की सेवा के लिए बुलाओगे ना, फिर लक्ष्मी उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, बोले ये गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी। ये गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले वैकुंठ में। फिर हमारी घर को लक्ष्मी वैकुंठ बना देगी, जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति कीर्तन वही घर ही वैकुंठ है, वही घर ही वैकुंठ हो जाएगा तुम्हारे फिर घर। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलानी चाहिए। हाँ देखो, कल है कथा की चौथा दिन है, चौथा दिन में तो भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, लेकिन कल संडे है, इतवार है, इसलिए कल आपका गांव में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगा। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, अरे जोर से जयकार दो। कल आपके गांव में ठाकुर जी आ रहे हैं ना, बोले श्री दाऊ भैया की जय, बोले श्री सुभद्रा देवी की जय, बोले श्री सुदर्शन चक्र की जय। इसलिए कल आपका गांव में सख्यात जगन्नाथ जी आ रहे हैं। इसलिए शास्त्र में बताए, एक बार अगर कोई जगन्नाथ जी को रथ को ऊपर देख ले, एक बार दर्शन कर ले, कहते पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसको जगत में पुनर्जन्म ही नहीं होता है। अगर एक बार कोई जगन्नाथ जी को दर्शन कर ले, हैं इतने महत्व श्री जगन्नाथ जी की। मैं जगन्नाथ जी के देश का आदमी हूँ, हैं? आप देखना जगन्नाथ जी के आँख कितने बड़े बड़े, इतने इतने बड़े बड़े गोल गोल है ना, इनके आँख की पलक नहीं झपती है। जगन्नाथ जब रथ ऊपर बैठते थे, देखो हमारे गांव में बोलते थे, बड़ी बूढ़ी बोलती थी, जो स्त्री गर्भवती होती थी ना, बोले देख बेटी जगन्नाथ जी को रथ यात्रा देखने नहीं जाना, बोले क्यों, बोले जगन्नाथ जी की आंख इतनी इतनी बड़ी है ना, अगर रथ के ऊपर में जगन्नाथ जी को दर्शन करोगे, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना उसकी आंख भी बड़ी बड़ी हो जाएगी। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर बैठते है ना, वो इतने प्रसन्न रहते हैं। बोले क्यों प्रसन्न रहते हैं, कृष्ण द्वारका से अभी वृंदावन जा रहे हैं, अपना घर में जा रहे हैं, गोपियों से मिलने के लिए, सखाओं से। आप देखना अगर आपकी किसी रिश्तेदार घर में जाते हो, अगर वो आपका बहुत प्यारे हैं, बहुत आपको इज्जत करते हैं, आप फिर खुश होकर जाते हो ना, भैया अमुक घर में जा रहे हैं, बड़ी इज्जत आदर मिलेगा। उसी तरह भगवान के सबसे जो प्यारे भक्त श्री ब्रजवासी गोपियां नंद जसोदा हैं, इसलिए जब कृष्ण जब सूर्य ग्रहण जब कुरुक्षेत्र में हुई, उसमें सारी दुनिया के लोग आए थे, वहां पर ब्रजवासी भी आए थे, वहां पर कृष्ण द्वारका से भी आए थे। अभी जब कृष्ण को पता चला मेरे पिता माता आए हैं, और बड़े दिन 100 साल के बाद में वो पिता माता से मिले, कृष्ण जब पिता से मिले, माता जी से मिले, फिर जब कृष्ण अपना गोपियों से मिले, फिर जब राधा रानी से मिले, राधा रानी बोली देखो कृष्ण
तुम भी वही कृष्ण, मैं भी वही राधा हूँ। लेकिन जब हम वृंदावन में, जहाँ पर जमुना नदी कलकल कलकल नादे से बह रही है, जहाँ पर बेली चमेली जुई सुंदर फूल खिले हुए, जहाँ पर कोयले कूकती हैं, जहाँ पर मयूर केका करते थे, जब हम कुंज में मिलते थे, जो आनंद मिलता था। अभी यहाँ पर आपका जो बेस है ना, राज बेस है, कोई ब्रज का चिन्ह नहीं तुम्हारे शरीर में। मयूर मुकुट कहाँ और तुम्हारी बंसुरी कहाँ है ही नहीं। आपका तो द्वारकाधीश और यहाँ सन्या सामत हाथी घोड़ा है। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम तो वही दोनों हैं, लेकिन वृंदावन में जब मिलते थे वो जो आनंद, यहाँ आनंद नहीं। अगर मेरे को आप आनंद देना चाहते हो, मेरी हृदय रूपी रथ में बैठो और आपको मैं खींचते खींचते वृंदावन ले जाऊंगी। फिर जब जमुना किनारे में हम मिलेंगे तब आनंद मिलेगा। इसलिए ये रथ नहीं, ये राधा रानी की हृदय है। राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके ले जाए, कहाँ ले जा रहे हैं? उनको वृंदावन ले जा रहे हैं। और उनको रथ को कौन खींच रही है? गोपियां। कौन खींच रही है? गोपियां उनको ले जा रही है वृंदावन। इसलिए कल जब आप लोग रथ को खींचना, किसी भाव से? गोपी भाव से। हम ठाकुर जी को अभी में हम वृंदावन राधा जी हृदय में बैठा कर ले जाते हैं। देखो वो जो रस्सी है ना, जिस रस्सी को पकड़ कर खींचते हैं भैया, वो रस्सी को पकड़ना बड़ा भाग्य की बात है। बड़े भाग्य से रस्सी को कोई पकड़ते हैं। हमारे देश में जब रथ यात्रा हो जाती है ना, वो रस्सी की एक एक धागा को तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। बोले क्यों? बोले जिस घर में वो रस्सी रहेगी, उसी घर में कोई भूत पिशाच डाकिन साकिन कोई दुख कष्ट उसी घर में रह नहीं सकती। उसमें ताबीज बनाकर पहनते हैं उसको। और जिनकी गुठन हाथ में दर्द है, कमर में, अगर वो रस्सी को बांधो ना, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। वो रस्सी की इतने महत्व, जिस रस्सी को खींच करके ले जाते हैं। इसलिए रथ यात्रा की बड़ी महिमा श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की। इसलिए कल देखो ये गड़ी का आदमी कब ये भक्ति में जुड़े, ध्यान देकर सुनो, ये गड़ी का आदमी भक्ति में ज्यादा कब जुड़े? जब तुम्हारी गांव में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई है। ये चीज को मानते कि नहीं? जब जगन्नाथ की रथ यात्रा तुम्हारी गांव में होगी ना, सारे लोग अपने आप सबके सब जुड़ते हुए चले गए, सबके सब जुड़ गए, सबके सब तुम्हारी गांव में। इसलिए बड़े भाग्य से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उनका दर्शन चारों तरफ में जितने दूर तक उनको दृष्टि जाए, कहते सारे अमंगल दूर हो जाता है। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी। इसलिए कल हम लोग बड़ी धूमधाम से श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालेंगे। इसलिए आप लोग अकेले नहीं आना, कल संडे है, इसलिए हम इतवार को रखे, सबके सब लोग उसकी लाभ उठा पाए। इसलिए कल अपना पति बच्चे परिवार बहू नाती पोती सबको लेकर के आना कल, और सबके सब बड़े धूमधाम से ये गड़ी गांव में। गड़ी मतलब क्या है? जहाँ पर भक्तों का गुजरियों का गड़ी है, ठाकुर जी का गढ़ है, इसलिए ये गड़ी गांव है। सचमुच से जो गड़ी गांव है भगवान की धाम बन जाए ये गड़ी गांव। इसलिए कल सबके सब, और कल कौन सा कपड़े पहन करके आओगे बताओ? कौन सा रंग के कपड़ा पहन करके आओगे? पीला रंग के। देखो और कोई रंग नहीं होनी चाहिए, भले ही उधार करके पहनना, लेकिन एक ही रंग पहनना। कौन सा रंग है? पीला। बोले पीला क्यों? बोले कृष्ण का जो रंग वस्त्र है ना पीला है। बोले कृष्ण क्यों पीले रंग पहनते हैं? क्योंकि राधा रानी का जो अंग का जो रंग है वो पीला रंग है। राधा रानी का अंग का रंग पीला रंग है, इसलिए कृष्ण राधा जी के ऊपर में अपना प्रेम को प्रकाश करते, इसलिए वो पीले रंग है। इसलिए कल सबके सब पीले रंग के साड़ी पहन करके आना, और जो परसों फिर कृष्ण जन्म लेंगे फिर भी पीला ही पहनना। कल भी और परसों कृष्ण जन्म लेंगे, जब परसों आप लोग आओगे भगवान जन्म लेंगे, खाली हाथ से नहीं आना, कुछ टफी कुछ चॉकलेट हैं, जैसे बच्चों को किसी खिलौना, क्योंकि जो कथा है आप गाँव वासी सबके सब मिलकर कर देंगे, ये सब आपकी कथा है। इसलिए उसी दिन कुछ ना कुछ ठाकुर जी की सेवा में लेकर गना। जो कल है जगन्नाथ जी रथ में बैठेंगे, जब ठाकुर जी रथ में जाएंगे, नियम है ठाकुर जी को जो भोजन करके जाते हैं, भूखे नहीं जाते हैं। इसलिए कल कुछ सूखा चीज लेकर के आना, जैसे कोई नमकीन हो कोई मीठा चीज हो लेकर के आना, ठाकुर जी को भोग लगेगा और ठाकुर जी खा करके ठाकुर जी रथ में बैठेंगे। और ठीक हम कोशिश करेंगे
पांच बजे यहाँ से निकल जाए, इसलिए आप लोग 4:30 बजे अगर आ जाओगे ना, और थोड़ी सी जगन्नाथ जी की प्यारी प्यारी बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, थोड़ी सी हम कथा सुना देंगे उसको बाद में, ठीक 5 बजे कोशिश करेगी यहाँ से निकल जाए, और तुम्हारी पूरा घड़ी गांव में कीर्तन करते 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 फिर यहीं पर शाम को आए, फिर शाम को आपके लिए सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था, ठीक है। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री काऊ भैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, जय जय श्री राम। हाँ देखो, और 10-15 मिनट लेंगे, हमारे बीच में 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे, हाँ थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे, इसलिए हमारे बीच में एक है, हमारे क्या नाम तुम्हारी, चैतन्य चंद्र प्रभु, ये बड़ी प्यारी प्यारी राधा रानी की बड़ी सुंदर कथा सुनाती हैं, इसलिए इनकी बड़ी अच्छी कथा सुनाएंगे। उसको बाद में जैसे देखो, आप लोग बड़े बूढ़े हैं, आप तो भक्ति में लगे हुए हो, हम चाहते हैं आपकी जो बच्चे हैं आपको बच्चे भी भक्ति में लगे, इसके लिए हमारे बीच में हमारी एक प्रभु जी रोहिणी सुतो प्रभु जी है, अभी हम आली गांव में गए थे, अरे यहाँ पर से सुनीति दीदी और हमारे भैया लोग वहाँ से भी कुछ कुछ भक्त लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, उन्होंने वहाँ पर क्लास दिए, घर घर में गए, बच्चों को समझाए, और कुछ बच्चे लोग भी आए, इन्होंने उनको अच्छी अच्छी बात सुनाए, कैसे तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया होगा, कैसे घर में पिता माता को सम्मान करोगे, कैसे तुम्हारी बढ़िया काम हो, उसने अच्छी अच्छी उनको बात बताए। जो बच्चे भगवान की भक्ति भी नहीं करना चाहते थे, माला जब नहीं करना चाहते थे, वो बच्चे भी माला लेकर भगवान की भजन किया, हाँ भजन किया, इसलिए हमारी यहाँ रोहिणी सुत प्रभु भी, वो भी थोड़ी सी आपको सुनाएंगे कैसे आपका बच्चों को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, वो भी धीरे धीरे भगवान की भजन भी वो भी करे, ठीक है। हमारे प्रभु जी हाँ तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथी श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करः विशालाक्ष दीर्घार गलयुगल खेलांचित भुजौ सचैतन्यः किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। हरे कृष्णा। देखो देखो, ये जो बच्चा है कथा सुनाएगा, ये मत समझो कुछ लिखा पढ़ा किया ही नहीं, ये अच्छा लिखा पढ़ा किया। तुमने क्या क्या पढ़े हो, जोर से बोलो। मैंने हरियाणा के सेकंड बेस्ट कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रतिनीक अखिल गुण गण निलय भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को इस गढ़ी के सत्र में श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुलभ हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने परम गुरुदेव पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर दश भक्ति वेदांत स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंदों में प्रणिपात अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात व्यास के रूप में जो मेरे परमाराध्य श्री गुरुदेव बैठे हैं, शोभा भी जिनके दिव्य आलिंगन को देख करके शोभित हो रही है, ऐसे श्री महाराज जी के श्री चरणों में कोटिश वंदन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर समस्त उपस्थित वैष्णव और वैष्णविया जिनके हृदय में केली करते हुए श्री बाल मुकुंद लाल प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कथा और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, आप सभी को मैं कोटिश प्रणाम करता हूँ।
हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को भगवान की निर्मल और भगवान की प्रिय कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आप लोगों ने यहाँ पे तो टीनेजर्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, आप लोगों ने चाणक्य का नाम तो सुना होगा, कौटिल्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी है, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, येषां श्रीमद यशोदा प्रिय गुण कथने नास्ति भक्ति नराणां, येषां महावीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुभवतार सख्यम, तेषां श्रीमद कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरो नैव करणो धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथ्यते सततम कीर्तनस्तु मृदंगम। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है, जे नर यशोमति सुत चरणन में भक्ति हृदय से की नहीं, जे राधा प्रिय कृष्ण चंद्र की गुण जिह्वा से नाही कही, अरे जिनके दउ कानन माही कथा रस कृष्ण को पिय नहीं, कीर्तन माही मृदंग उन्हें धिक्तान धिक्तान एही भांति के ही कही। जो श्री राधा मुकुंद भगवान की जिन्होंने कथा श्रवण नहीं करी है ना, जिन्होंने श्री यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति नहीं करी, कीर्तन में बजता हुआ मृदंग जो धिक्तान धिक्तान कर रहा है, वे उन सभी को धिक्कारता है। इसका अर्थ यह है, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, संत हमारे यहाँ पे पधार, आप लोग गढ़ीवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपके यहाँ पे संत पधारे हैं। संत की महिमा तो क्या कहें, अनुपम है संत की महिमा। देखिए श्री भगवान भी संत के अधीन है, श्री भगवान भी संत की उपासना। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है कि संत मुझे उपासते हैं, मेरी उपासना करते हैं, लेकिन मैं संतों का प्रिय हूँ और संत मेरे प्रिय हैं, मैं संतों को भजता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। रैदास जी का पद है, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करे कीर्तन कथा उचारे और आप उतरे औरन कूतारे, मिले हरि आस तो पूरन आसा, जन्म जन्म की पूरन आसा, इसीलिए आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। हमारे वास्तविक माता पिता तो संत भगवान ही हैं, हमारे वास्तविक हमारी हमारी आत्मा की, देखो जैसे भोजन इस शरीर की खुराक है, वैसे भजन आत्मा की खुराक है, इसीलिए हमारे जो वास्तविक माता पिता है वो तो संत भगवान ही है। मात हमारे माता और पिता, मात पिता और भाई बंधु संत ही जाने हाँ, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, कहत कबीर विचार संतन को देखूं आप तो, मेरे मन में तो यू ही पड़ो चाव, संतन को देखूं आप तो। एक बार महर्षि अगस्त की सभा लगी, उसमें महर्षि अगस्त ने जो हेड थे उनके नेतृत्व में, महर्षि अगस्त ने उस सभा का नेतृत्व किया, उसमें यह बात थी कि कौन बड़ा है, बड़े 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 न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्र वहां पर पधारे थे, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि राज ऋषि वेद ऋषि मनीषी वहां पर पधारे थे, वे लोग बता रहे थे कि कौन बड़ा, विचार करे कौन बड़ा है, पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा, और कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों पड़ा,
तो संत के हृदय में क्यों चला? इसलिए संत ही है, इसको भक्तमाल जी से समझो। कवि जन करत विचार, कौन बड़ो काहे कहीजे, को कहे अपनी बड़ी, जगत आधार करीजे, अवनी कहे मैं बड़ी, शेष सिर सोहत कीजे, शेष कहे मैं बड़ो, शंकर गल शोभा कीजे, शिव आसन कैलास, रावण भुज माही गहीजे, रावण बाली जीत्यो, रावण बाली जीत्यो, राम शर चाप गहीजे, और राघव कहे मैं बड़ो, संत के हृदय में शोभा लीजे। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, अंत में यह निश्चय हुआ कि इतने बड़े भगवान को संत अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए संत बड़े, इसीलिए भक्त बड़े, इसीलिए संत की महिमा विशेष है, गोपियों की महिमा विशेष है। लोग गोपी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, अरे गौड़ियाओं का तो भाव है गोपी, गौड़िया संप्रदायों के संप्रदाय का तो प्राण है गोपी। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? गोपी प्रेम का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए हैं। गोपियों की दशा देखो, जब कुछ भी होता, कोई भी काम करती, वो काम तो करती पर मन कृष्ण में रखती, जो कि हमारी दशा होनी चाहिए, जो कि हमारा हमारा नेतृत्व यही होना चाहिए। नाना कर्म करत विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। गोपियां दूध निकाल रही हैं, पर मन श्री कृष्ण की बांसुरी में है। दुहन त्यो भी ये योगाश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधि सत्व संयाव मर्दवाश्या परायो, परिवेश यंदित्वा पारयंत शुशुंपयः, शुश्रूषन्तिं पदिं काश्चित अश्चन्योपाश्य भोजनम, लिम्बन्त्य प्रम्रजन्तुन्या अञ्जन्त्य काश्चलोचने, व्यक्तस्त वस्त्राभरणात् काश्चित कृष्णान्तिकम ययो, तावर्यमाना पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविंदात्मानं नग्न वर्तन्त मोहिता, अंतर मेघता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, कृष्णं तद भावना युक्ता तद्युर्मीलित लोचना, दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रता पशुता शुभा, ध्यान प्राप्ता चित्तश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, जहोर गुणमयं देहं सत्योर प्रक्षीण वंदना। ये रासपंचाध्याय के श्लोक है। दूध निकाल रही थी गोपी, वंशी की आवाज आई, तुरंत दूध की बाल्टी फेंकी, आधा दूध निकल गया था, फिर जैसे ही भागने भागी रास के लिए भागी, तुरंत अपने पैर से उस आधी बाल्टी को फैला दी। मुरली ने पूछा, अरे तू चल रही है, गोविंद बुला रहे हैं तो कोई बात नहीं चल, लेकिन ये आधी बाल्टी दूध जो निकाला था क्यों फेंक रही है? उसने कहा, जब रास लीला में श्री गोविंद के साथ नृत्य करूंगी तो कहीं ये आधी बाल्टी दूध ना याद आ जाए, इसलिए समस्त इंद्रियों समस्त व्यवधानों का परित्याग करके गोपी कृष्ण दर्शन के लिए पहुंचे। ये गोपी भाव है। आप लोग सबके ऊपर कृपा हो, सब आप सब सबको भक्ति की प्राप्ति हो। श्री महाराज जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन करता हुआ आप सभी को प्रणिपात करता हुआ वाणी को विश्राम। जय जय श्री राधे श्री तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो हम भी चाहते हैं ना, तुम्हारे जितने बच्चे हैं जो इधर उधर काम में लगे हैं, हम चाहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे बने। इधर उधर बात को छोड़ कर क्या करें, भगवान की भक्ति में भगवान की कथा में लग जाए ना। अच्छा उधर ना, तब तो तुम्हारी बच्चों का जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात व्यास आसीन पूज्यपाद श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ।
कि वो हम सब पर मुझ पर कृपा करें ताकि जिस उद्देश्य से संतजन इस धरती पे आते हैं, किस लिए आते हैं, ताकि हम अपने मानव जीवन का कल्याण कर सकें, तो वो हम कर पाए। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम और हरि कथा सुनने आए सभी भक्तजनों को स्वागत है। महाराज जी की आज्ञा हुई है कि कुछ बोल पाऊँ, तो जैसा कि पूर्व पूर्व भागवतम प्रोग्रामों में जो महाराज जी के हुए, इससे पहले 3 भागवत प्रोग्राम दिल्ली में और हो चुके हैं, महाराज जी की विशेष कृपा रही कि जो आज की पीढ़ी है, जो यंगस्टर जिसको कहा जा रहा है, उनके लिए विशेष रूप से कुछ किया जाए। क्यों? क्योंकि माता पिता पूरी तरीके से जो भक्ति में आ गए हैं, वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि उस पीढ़ी को कुछ समझाया जाए, किसके बारे में, इस भक्ति के बारे में, इस सनातन धर्म के बारे में। पर हो क्या रहा है, ये पीढ़ी कैसी है, ये पीढ़ी देखती है चमक धमक को, ठीक है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, आज का टाइम की बात करो, आज चल क्या रहा है, आज के टाइम पे सबसे हॉट न्यूज क्या है, बच्चों बताओ, यंगस्टर्स बताओ, सबसे हॉटेस्ट टॉपिक क्या है आज का? नहीं नहीं, ये तो बुजुर्गों के बीच का है, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, नीचे आ जाओ। थानोस मरेगा या नहीं मरेगा एवेंजर्स एंड गेम में? क्यों, सही बोला नहीं बोला? किस किस ने टिकट करा ली है? 14,000 करोड़ की सेल पहले दिन में इस मूवी की, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पता चला होगा, पर यंगस्टर्स जितने हैं, बच्चे जितने हैं, सबको पता चल गया होगा कि ये किसको मान रहे हैं। जैसे अभी एक इंडियन मूवी थी कुछ महीने पहले, जिसने कुछ साल पहले, एक साल पहले तहलका मचा दिया था, बाहुबली को किसने मारा। हमारी यंग जनरेशन इन्हीं चीजों में फंसी हुई है, कहां का वो बाहुबली और क्या उसके तेरे मतलब हमारे से लेना देना, और ये जो थानोस आया है पता नहीं क्या करेगा, कौन मारेगा, कैप्टन अमेरिका मारेगा या आयरन मैन मारेगा या पता नहीं कौन सा मैन मारेगा। हम इन कथाओं में, इन पिक्चरों में, इन चीजों में फंसे पड़े हैं, जबकि हमारे साथ और हमारे पास अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, कितनी एज होगी, 12 साल 15 साल 16 18 साल, अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लूंगा, 12वीं के बाद कौन से कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद कौन सी कंपनी में जाऊंगा। इस पर महाराज जी बहुत कथा, अच्छी कथा सुनाते हैं कि देखो आपका जीवन कैसा है, बच्चों समझो, अभी पेरेंट्स कहेंगे बेटा 10वीं बोर्ड आ गई है, पढ़ ले अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, वरना नाक कट जाएगी, सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे अच्छे से। तो बच्चा क्या करता है, प्रेशर पढ़ता है, फिर नंबर लाता है, फिर क्या लेगा, साइंस विद मैथ्स, ठीक है, या कुछ और धुरंधर होते हैं, साइंस विद मैथ एंड बायो, दोनों बेचारे फिजिकल एजुकेशन छोड़ देते हैं या फ्रेंच जर्मन छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद 12वीं कर ले, बस यही एक क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी पूरी ताकत लगा दे बेटा, पूरी ताकत लगा दे। वो भी क्या करता है, दिन रात अपनी पूरी ताकत लगा देता है, खाना पीना तक छोड़ देता है, फिर 12वीं का रिजल्ट आता है, फिर कहते हैं 12वीं तो हो गई, अब 12वीं तो हर कोई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सभी 12वीं कर रहे हैं, अरे बेटा अब जाके ना कुछ अच्छा कोर्स कर, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करता है, कोई कोई 1-1, 2-2 साल ड्रॉप करते हैं, फिर जाके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है, फिर जब कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं अरे इंजीनियर डॉक्टर तो भरे पड़े हैं, ठीक है। कल एक कैब में बैठी थी, वो कैब ड्राइवर इंजीनियर था, जॉब नहीं मिली तो अपनी कैब चला ली, तो तू अब सोच तू क्या करेगा, कैब चलाएगा क्या, जा कोई अच्छी जगह नौकरी कर। फिर वो जाके एक नौकरी ढूंढता, फिर अच्छी जगह नौकरी मिलती है, तो कहता है अरे नौकरी तो सारी दुनिया कर रही है, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का एक डिसीजन लेना है तुझे, वो क्या है, किसने का, बर्बादी, शादी, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, क्या लेना है, शादी कर, ठीक है, लड़की के पीछे, उसके परिवार वाले लड़के के पीछे इधर, फिर क्या कराते हैं, शादी करा देते हैं। फिर कहते हैं अरे भाई शादी तो सारी दुनिया करती है, कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए, शादी क्यों करी है,
भाई क्या होने चाहिए? बच्चे। अब बच्चे करो। अरे बच्चे तो सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया बच्चे कर रही है। इनका कर कर करो, इन बच्चों का फ्यूचर बनाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें कौन से स्कूलों में पढ़ाओ? कौन से? सर्वोदय में? नहीं, अब कॉलोनी के हिसाब से चलेंगे। किसमें बनाओ? भटरागर इंटरनेशनल, अपोलो इंटरनेशनल, कौन सा इंटरनेशनल, किसी इंटरनेशनल स्कूल में डालो। अच्छे से इनका करियर बनाओ। खुद विदेश नहीं जा पाए थे ना पढ़ने के लिए, बच्चों को विदेश भेजो पढ़ने के लिए। अब उसके लिए क्या करेगा बेचारा? अपने आप को भट्टी में झोंक देगा। किसकी? पैसे कमाने वाली भट्टी में झोंक देगा। कुछ ना कुछ करेगा, बच्चे को ये कराएगा। फिर कहेंगे अरे ये तो सारी दुनिया कर रही है, बच्चे तो सब पाल लेते हैं, सभी तो पढ़ाते लिखाते हैं, अब इनकी अच्छी जगह शादी कराओ। और फिर वो शादी होती है, फिर उसके बाद फिर वो बच्चे। ये कहानी ऐसे ही ऐसे घूमती रह जाती है। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में क्या होगा? वो आदमी हरी बोल। परिवार वाले क्या होगा? जो मुखिया था उसका क्या होगा? हरी बोल। और फिर जब उसको लेके जाएंगे, आज तक बेचारे को जीवन में कभी कुछ नहीं बताया। क्या बताया? दसवीं कर, बारहवीं कर, ये कर, वो कर, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अब जब मर गया है, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो कह रहे भाई राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, बाकी तो सब झूठा था, यही सब सत्य है। बताओ, अब जब मर गया है, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता बेचारा, वो बेचारा पेड़ पे जो क्या पता प्रेत बन के लटका हो, तब देख रहा होगा, अबे यार ये अब बताना था? जब बचपन में जब चिल्ला रहे थे पांचवी कर दसवीं कर, तब नहीं बता सकते थे? तो इसी को बताने के लिए महाराज जी आए हैं कि बच्चों पहले ही समझ जाओ, आगे फ्यूचर बहुत, क्या आपका कैसा है पता नहीं कैसा है। फ्यूचर किसने देखा है? जिन्होंने ज्योतिषी की दुकान खोल रखी है, उस बेचारे को अपने ही नहीं पता कि दुकान का अगले महीने का किराया दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ज्योतिषों के पीछे भाग जाते हैं यंगस्टर्स, मैं बता रहा हूं, अपनी कुंडलियां ले लेके भाग रहे हैं। अरे वही अगर ज्योतिष शास्त्र भी कहां से आया है? इन्हीं शास्त्रों में से आया है। इन्हीं शास्त्रों में लिख दिया गया है कि परम कल्याण क्या है तुम्हारे जीव का, वो समझना पड़ेगा। तुम क्या हो? ये शरीर नहीं। अभी प्रभु जी बात कर रहे थे ना, बड़ी सुंदर रस कथाएं बोल रहे थे, तो उसमें एक बड़ी तत्व की बात बोली कि क्या है ये? हम शरीर नहीं है, हम क्या है? क्या है? मतलब सारे भूत बैठे हैं? आत्मा। नहीं, ये आत्मा ही है। पूर्व जन्मों के हिसाब से हमें अलग अलग शरीर मिल गए। क्या मिल गए? अलग अलग शरीर मिल गए हैं, पर ये आत्मा का जो धर्म है हमें इसे प्राप्त करना पड़ेगा। एक चीज को सोचो, जितना खा पी रहे हो, ओढ़ पहन रहे हो, किसको ढक रहे हो? शरीर को। शीशे में जब अपना श्रृंगार करते हो क्या दिखता है? क्या दिखता है? क्या दिखता है बेटा? आत्मा दिखती है कोई? नहीं, अभी तक हम उस आत्मा को रियलाइज नहीं कर पाए हैं। सोचना, आज तक जो भी किया हमने केवल इस शरीर के लिए किया, तो यही शास्त्र बताते हैं केवल कुछ ही कार्य ऐसे हैं जो आत्मा तक पहुंचेंगे। समझना, ये आत्मा ही मूल चेतन है। खुद सोचना, अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? हम उसको फिर उस लाश को क्या कहते हैं? लाश ही कहते हैं ना, तब तो नहीं कहते ना कि देख तेरा फूफा पड़ा है, जा फूफा को फूका। कोई कहता है? तब क्या कहते हैं? डेड बॉडी ले जाओ। कोई ऐसा कहेगा जिसके पिताजी मर गए हो? अब पिताजी को ले जाते, पिताजी को जाके जला देते हैं। नहीं, अब वो पिताजी नहीं है। क्या बोलेंगे तब हम? पिताजी तो चले गए, फूफा जी तो चले गए। तो कौन चला गया? वो तो वहीं पड़ा है। क्यों? वहीं नहीं पड़ा, वहीं पड़ा है। और फिर देखो, जिस बच्चे को पूरी जिंदगी जिसके लिए तपस्या करी, सब कुछ किया, पाला पोसा, वो लास्ट में जाके देखना, हमारे शास्त्रों ने भी क्रियाएं कितनी अच्छी बनाई हुई हैं। कौन सी क्रिया करता है वो? फोड़ता है खोपड़ी। कि जो बुढ़ापे की लाठी तूने सोची थी ना, ये लाठी तेरी खोपड़ी फोड़ेगी बाद में शमशान में। क्यों? क्योंकि तुझे पूरी जिंदगी तो अकल आई नहीं, तो अकल जलते वक्त इसको फोड़ी दे। कहने का मतलब इसी को शास्त्र समझा रहे हैं कि हम संसार के सारे काम बड़े परफेक्टली कर रहे हैं। बुरा मत मानना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने खुद अनुभव किया कुछ दिन पहले, मेरे पास 2-3-10 की गड्डियां आई, ठीक है, 2-3-10 की गड्डियां हैं। अरे एक दो नोट ऊपर नीचे हो गया तो कितने का फर्क पड़ेगा? 20-30 रुपए का, या तो ऊपर हो जाएंगे या नीचे हो जाएंगे। मैंने ऐसे गिनी जैसे पता नहीं मैं क्यों अमूल्य चीज गिन रहा हूं। और फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ही हरिनाम करूं तो, हरिनाम खुद देखना, एक पैसे की गड्डी गिनना 108 नोटों की, और एक बार हरिनाम की 108 नोटों की 108 हरिनाम गिन के देखना।
उस 108 में ना 2008 बार कहीं ना मन चला जाएगा, पर यहाँ पे 108 अगर नोट गिन रहे होगे ना तो बोलते हुए बंदे के थप्पड़ मार दोगे मुंह पे, चुप देख नहीं रहा नोट गिन रही हूँ, फिर दुब बुला दिए। पर हरिनाम हम ऐसे कर रहे हैं नहीं, इसलिए तो रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एक चीज हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि यंगस्टर्स सारे आओ, रोज के रोज समझो कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, वरना क्या होगा लास्ट में, फिर जब सुन नहीं पाओगे समझ नहीं पाओगे तब सुनाया जाएगा तुम्हें कि ये चीज सत्य थी, और तब कहीं प्रेत बन के लटके होगे, यार भाई जब जिंदा था तब समझा देते, तब मैं कुछ कर लेता। और एक और चीज बताना, आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपके घर आया है, ठीक है, आपके घर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आया है, बहुत ही प्रिय, या प्रिय नहीं भी है, मान लो MLA आ गया उस एरिया का, अब प्रिय नहीं है पर उसकी महिमा पता है आपको, अभी प्रिय नहीं है क्योंकि जानते नहीं हो, पर ये पता है महिमा क्या है, या मोदी आ गया आपके घर आके बैठा है, उसको क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे भाई, वो बोल रहा है भूख लग रही है कुछ खाने को दो, तो क्या दोगे। हाँ मोदी जी, मैंने 2 साल पहले ना एक दाल बनाई थी, बड़ी अच्छी बनी थी मेरे हाथ से, पहली बार बनाई थी, वो अभी तक रखी है, वो लेकर आती, लेके जाओगे, या वो रोटियां पड़ी हैं 4 महीने पुरानी वो खा लो, या आलू का पराठा पड़ा 1.5 साल पुराना, मैं वहां से कैसा वैसा खिलाओगे ना सड़ा हुआ, क्यों अम्मा खिलाओगे, कैसा खिलाओगे, उसी टाइम ताजा बनाया हुआ। तो वही चीज हमें भगवान की महिमा पता है, कब पता चलती है, जब एग्जाम होते हैं, भगवान पास करा दे, भगवान देख तेरा ही आसरा है, मैं तो लिखा ही जो लिखा ही, पता नहीं कैसा बैठेगा, किस मूड में टीचर बैठेगा चेक करने वाला, अगर तेरी कृपा रही तो शायद अच्छा वाला बैठ जाएगा कि पिक्चर की स्टोरी लिख के आई उस पर भी नंबर दे दे। भगवान कृपा से कई बच्चे पास होते हैं, कई बच्चे भगवत कृपा से भी पास होते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये भगवान जिनकी महिमा को हम अच्छे से समझते हैं, इनको हम कैसा भोग लगा रहे हैं, कैसा भोग लगा रहे हैं कि बेटा ये अभी मत करना, ये काम हरिनाम अभी मत करना, ये भक्ति अभी मत करना, कब, जब बुढ़ा हो जाएगा ना तब करना, जब रिटायर हो जाएगा ना संसार से तब करना। तब क्या हालत होती है, जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें पता है कैसी हालत है, बुढ़ापे में बड़ा आनंद आ रहा है ना, पूरे जीवन जो आनंद नहीं आया ना अब आ रहा है, क्यों।